गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं महावीर कांतुरा आप सभी का वेलकम करता हूं एक बहुत ही खास सेशन में। और ये जो सेशन है ये आपकी कॉम्पनसेशन प्लान को लेके, जो आपकी साफनेस है उसको बढ़ा देगा। डायरी पेन लेके जरूर बैठ जाएं क्योंकि ये सेशन होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। और ये जो सेशन है इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट के थ्रू आप इसमें मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और मीटिंग के एंड में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन आंसर सेशन जहां पे आप सवाल पूछ पाएंगे। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे जो प्लान है, हमारा जो प्रोडक्ट्स है कैसे है वो और कंपनी से बहुत बढ़िया, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और डेफिनेटली नॉर्मली क्या होता है, अंडरस्टैंड प्लान को समझना क्यों जरूरी है, व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लान, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में हम देखते हैं सामने वाले ने एक नई कार ले ली, सामने वाले ने एक घर बना लिया, सामने वाले ने ये कर दिया। बट हमें ये देखना है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है। हो सकता है कि उसके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले से रही हो, तो आपको ये देखना प्लान से पैसा कैसे आता है। लोग अलग अलग हो सकते हैं बट कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखता हूं तो उससे मुझे पूरी कंपनी की जो नीयत है वो साफ साफ दिख जाती है। तो मार्केटिंग प्लान को स्टडी करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको प्लान को समझना है, आपको समझना है प्लान को। इससे पहले कि हम आगे बढ़े देखिए, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसे लोग जानते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा भाग्य है आपका। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने डूबने से बचने के लिए टहनी पकड़ी है तो वो टहनी मोटी हो तो ज्यादा बढ़िया है। यस, अगर आप एक मोटे तने पे, एक मोटे टहनी पे को पकड़े हुए हैं तो आपके डूबने के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन अगर आपने टहनी ही बहुत पतली पकड़ी हुई है तो आपके डूबने के चांसेस कई ज्यादा है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं VLCC की, जब हम बात करते हैं, जब बैंकिंग में बात आती है SBI की, जब LIC की बात आती है लाइफ इंश्योरेंस में, और जब हेल्थ एंड वेलनेस में, जो एशिया की सबसे बड़ी ब्यूटी स्लिमिंग और फिटनेस सेंटर की चेन चलाने वाली कंपनी VLCC की बात आ रही है, जो अगले एक दो सालों में अपना खुद का IPO भी लॉन्च करने वाली है और 20 देशों में है। जब आप एक बड़ी कंपनी के साथ होते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। लोगों के बहुत सारे सवाल गायब जाते हैं, लोगों के विजन को लेके, लोगों की क्रेडिबिलिटी को लेके जो सवाल है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें डायरेक्ट सेलिंग में, तो ज्यादातर कंपनीज ऐसी हैं उनका मकसद है आपकी जेब से पैसा निकालना। यस, बहुत सारे स्कैम लगातार हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ एक ऐसी कंपनी हो, अगर आपके साथ एक ऐसी महिला हो जिसको पूरी दुनिया में लोग सलाम करते हो, यस, अगर हम बात करें एशिया की टॉप 50 में से एक है, टॉप 50 मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में से एक है वंदना लूथरा जी। इंडियन गवर्नमेंट में ब्यूटी एंड वेलनेस काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं अभी रिसेंटली, और इनकी जो नेटवर्थ है 1300 करोड़ के आसपास आंकी गई है। इंडिया की टॉप 10 सेल्फ मेड बिजनेस महिलाओं में से एक है। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। VLCC एशिया की सबसे बड़ी ब्यूटी और सिलिंग सेंटर्स की चेन चलाती है, 4,500 डॉक्टर, इनफैक्ट ये पुराना डेटा अभी काफी बढ़ चुका है। तो VLCC में एम्प्लॉयड हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, 2 फैक्ट्री इंडिया में, 1 सिंगापुर में, 1 बांग्लादेश में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जिन कंपनीज की फैक्ट्री नहीं है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फैक्ट्री होनी जरूरी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, अगर आपके पास एक प्रोफाइल है, अगर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बिल्ड करना आसान रहेगा। तो ये है VLCC की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, और साथ में एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत गहरी समझ है, और एक शेयर आपके सामने लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। और डेफिनेटली अगर हम बात करें, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अगर किसी और को भी ये लग रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं ये। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है तो आप जल्दी से जल्दी ऐसी जगह चले जाए जहां पे नेटवर्क हो, क्योंकि वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट। तो वॉइस सबका कहना है, तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि
सुनते ही काम हो जाए। यस, तो वीएलसीसी को लेके जहां भी हम पहुंचते हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में 14 साल हो चुके थे और मेरा जो बिजनेस था वो 5-10 शहरों तक ही सीमित था। बट जब वीएलसीसी मेरी जिंदगी में आया, तो अगले 5 महीने में भारत की ऐसी कोई स्टेट नहीं थी जहाँ पे मेरी टीम के द्वारा, जहाँ मेरे और मेरी टीम के द्वारा रजिस्टर्ड लोग नहीं थे या नहीं है। यस, तो ये है वीएलसीसी का नाम। हालांकि देखिए, नाम से ज्वाइनिंग हो सकती है, आपको उनको सिस्टम देना पड़ेगा, आपको उनको बिल्ड करना पड़ेगा, बट ये है एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और मिस्टर लजिंदर बाबा, यस, जब मैं इनसे पहली बार मिला, जब मुझे पहली बार इनसे मिलने का मौका मिला आज से कई साल पहले, तो जो उनकी क्लैरिटी थी इंडस्ट्री के प्रति, जो उनकी सरलता थी इस इंडस्ट्री के प्रति, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। और अभी अगर हम देखें तो वीएलसीसी अगले 6 महीने के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है जिससे ये जो बिजनेस है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे वीएलसीसी काम कर रही है। और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि वीएलसीसी आज की ट्रेनिंग के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यस, वीएलसीसी इज द वीएलसीसी जो है वीएलसीसी हैविंग द बेस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री, ये आपको आज अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगले 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड बनने वाला है। लोग खुद चाहेंगे कि वो वीएलसीसी का हिस्सा बने। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे वीएलसीसी की जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसको मिस्टर लजिंदर बाबा लीड कर रहे हैं, उस पर वीएलसीसी काम कर रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो जर्नी आपको आपके सपनों की ओर लेके आने वाली है। यस, तो अगले 6 महीने का दिल थाम के इंतजार कीजिए, बल्कि दिल थाम के इंतजार मत कीजिए, अगले 6 महीने में वो आमदनी कीजिए जो आप पिछले 4 साल में नहीं कर पाए हैं। पिछले 4 सालों में जो आमदनी आप नहीं कर पाए हैं, अगले 6 महीने में वो आमदनी करने का प्लान बनाइए। हम आपके साथ हैं, My 1 Million Smiles Team। जी हाँ, My 1 Million Smiles Team आपके साथ है। तो एक ऐसी प्रोफाइल हमारे साथ है जिन्होंने 1995 में इस इंडस्ट्री को लॉन्च किया। जैसे मैं, मेरी बुक आने वाली है और उस बुक को लेके मैं इंडस्ट्री के बहुत सारे पुराने लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ, बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ डायरेक्टली मैं बात कर रहा था अपने बुक को लेके। और ऐसे में जब मैंने उनसे सुना वीएलसीसी की मैनेजमेंट को लेके, उनके अप्रिशिएशन सुने कि यस, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इस कंपनी में लजिंदर बाबा जैसा व्यक्ति है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तो ये है हमारी मैनेजमेंट और ये है हमारी प्रोफाइल। और अगर हम देखें रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है, आज 425 करोड़ का स्कैम हो गया, 1000 करोड़ का स्कैम हो गया, दोगुना करने के नाम पे यस पैसे डकारे गए। तो ऐसे में जब इतने सारे भ्रम मार्केट में आते हैं, यस, जब इतने सारे भ्रम मार्केट में आते हैं, तो अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ हैं, अगर आप एक मजबूत कंपनी के साथ हैं, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान रहता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल नए स्टार्टअप्स हैं, एक नए स्टार्टअप्स में आपको वहाँ पे भी आप उनकी जो कोर मिशन को देख सकते हैं, उनकी वैल्यूज को देख सकते हैं, उनके विजन को देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये है एक बहुत बढ़िया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रोफाइल और एक ऐसा व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री को समझता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं आपको बताऊं, 8 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, भी 8 ऐसे पॉइंट जिससे आप ऐसे 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 पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग को कंपनी को करें। पॉइंट नंबर 1 इज देयर प्रोडक्ट। क्या उस कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या उस कंपनी के पास प्रोडक्ट है। नंबर 2, क्या कंपनी का जो कमीशन है वो प्रोडक्ट की सेल पे, क्या कंपनी का जो कमीशन है वो प्रोडक्ट की सेल पे आता है। यस, कहीं किसी की ज्वाइनिंग पे तो नहीं आता। क्या कंपनी का मकसद कोई पोजीशन सेल करने का तो नहीं है, डायमंड बनो, प्रेजिडेंट डायमंड बनो, या फिर कंपनी का जो मकसद है वो है प्रोडक्ट को सेल करने का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी ज्वाइनिंग लाओगे ये पैसा मिलेगा, इतनी ज्वाइनिंग लाओगे ये पैसा मिलेगा। यस, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पे पैसा आना इलीगल है। हाँ, जब जो लोग नए रिक्रूट करेंगे, वो जब अपने आप को एक्टिवेट करेंगे तो पैसा आना ही चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज मेरी टीम में रिक्रूटमेंट आना बंद हो जाए तो क्या मुझे पैसा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पूछना चाहिए कि अगर आज मेरी कंपनी में या मेरी टीम में रिक्रूटमेंट आना बंद हो जाए तो क्या मुझे पैसा आएगा।
तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्या कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी एक फेयर वैल्यू है। यस डेफिनेटली बाजार में सेम कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपये का भी है और 1000 रुपये का भी है। यस तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यस तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आठवां, इज देयर अ कंपेलिंग रीजन टू बाई। यस क्या उस प्रोडक्ट के पीछे कोई कारण है आपका प्रोडक्ट खरीदने का। यस तो जैसे हमारे साथ इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो मोड में, जिनका ऑडियो नहीं खुला हुआ है, और वो मुझे बार बार व्हाट्सएप बार बार मुझे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास एक माइक का ऑप्शन है, उस माइक पे क्लिक कीजिए और उस माइक को खोलिए, तभी आप मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। या फिर जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उनसे पूछिए कि मैं ये मीटिंग कैसे सुन सकता हूँ, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ तभी सुनाई देगी जब आपका जो माइक है वो खुला होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 8 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और VLCC की मैं अगर बात करूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में आया था क्योंकि कुछ ऐसे रिजल्ट्स मुझे इन प्रोडक्ट से मिले जो मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी थे, जो मेरे लिए बहुत चमत्कारिक थे। लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप चमत्कार को देख के प्रोडक्ट्स में आइए। प्रोडक्ट के पीछे एक विज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट के पीछे एक साइंस होनी चाहिए। प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होना चाहिए जो उसकी प्योरिटी को, जो उसकी सेफ्टी को सेफ्टी से खिलवाड़ करे, जो उसकी एफिकेसी, उसके जो रिजल्ट्स को प्रभावित करे। तो VLCC वेल साइंस में AIM एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की पूरी फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। और इनफैक्ट मैं देख रहा था हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बॉडी मिस्ट कर लिया, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। हमारे जो हर प्रोडक्ट हैं उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। और हमारे जितने भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबिन, फैलेट, डाई जैसे केमिकल से फ्री हैं। मैं प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जैसे बाजार में अगर हम देखें, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट रीजनेबल हैं। जैसे किसी कंपनी का 170 रुपये में 60 ग्राम है, किसका 198 में 60 ml है, हमारा 250 रुपये में 100 ml है। तो अगर हम देखेंगे 283, 330, 100 ml की कॉस्ट निकालें तो ये 250, तो ये रीजनेबल नहीं बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। पैराबिन फ्री है, जो हम दावा करते हैं हमने हर लेवल पे, जो शायद और कंपनी दावा नहीं करती। पॉली हर्ब्स, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। और कंपनी 2 प्रोडक्ट पे काम करती है, 4 इंग्रेडिएंट पे काम करती है, बट हमारे एक एक प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे 8, 9, 12 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर हम कंपेयर करें, एक किसी भी क्रीम के बारे में बात करें, स्पेशली एक क्रीम, हम एक डे क्रीम के बारे में बात करें जिसमें SPF भी हो, तो बाजार में भी 10 ग्राम की जो कीमत है वो 99 रुपीज के आसपास आती है। यस बट अगर आप इस प्रोडक्ट के लेवल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट नहीं दिखाई देंगे। पैराबिन फ्री लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। बट VLCC के पास जब हम बात करते हैं ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम की, तो ये है SPF 18 और PA2+। PA2+ एक जैपनीज रेटिंग है, PA3+, PA2+, जिससे उस सनस्क्रीन की जो गुणवत्ता है वो दिखाई देती है। और अगर PA3+ इज द बेस्ट रेटिंग, और ये इस सनस्क्रीन, यहाँ पे जो सनस्क्रीन यूज की गई है वो है PA3+। PA3+ है नंबर 1। नंबर 2, देर इज नो, इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई हर्बल इंग्रीडियंट्स आपको नहीं दिखाई देगा इसके लेवल पे, या हो सकता है एक हो। यहाँ पे 11, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, 11 हर्बल एक्सट्रैक्ट। तो ये है हमारी खास बात। और इसमें जो SPF 18 की जगह SPF 25 भी है। तो प्राइसिंग भी अगर आप देखेंगे तो जैसे वो 99 या 100 रुपए का 10 ग्राम था, तो ये 500 का 50 ग्राम होना चाहिए, बट ये 425 रुपए में 50 ग्राम है, और ये पैराबिन फ्री है। यस नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ कंपनीज है जो 150 रुपए में 25-50 ग्राम बेचते हैं, बट अगर हम उनके लेवल को पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे उसमें कोई हर्बल, देखिए कोई भी क्रीम बनती है उसका एक बेस होता है, अगर आप उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट में, अगर मेथाइल पैराबिन, प्रोपाइल, प्रोपिल पैराबिन, ये सारे केमिकल्स हैं, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यस तो अब कुछ लोग कहते हैं कि 425 रुपये में 50 ग्राम बहुत बढ़िया है, अच्छा है,
बट हमारे पास 50 ग्राम की जो क्रीम है वो 220 रुपए में भी अवेलेबल है, 220 रुपीज में भी अवेलेबल है हमारे पास, और जिसके अंदर 5 हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं। जी हाँ, केसर जिसके अंदर है, तो आप पैराबिन फ्री जिसके अंदर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। बीएलसी वेल साइंस आपको एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और सनस्क्रीन अगर हम देखें, जैसे एमवे की जो सनस्क्रीन है वो PA3+ है ना, हम भी PA3+ सनस्क्रीन ही आपको ऑफर कर रहे हैं। यस, 100 ग्राम की कीमत 449 है, यहाँ पे 100 ग्राम ML की कीमत 360 है, तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे। और यहाँ पे 9 हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं दे रही है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं इसको लगाने से हीलिंग भी हो रही है, इसको लगाने से टैनिंग कम होगी। यस, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं। और ज्यादातर कंपनी क्या करती है, 60 ग्राम अगर हम देखें और अगर हम 100 ml की कॉस्ट निकाले तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वीएलसीसी वेल साइंस की अगर हम बात करें तो आपको जब भी आप किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो आपको जरूर देखना चाहिए कि उसमें है क्या। यस, जैसे यहाँ पे 950 रुपए की 100 टैब है, यहाँ पे 1190 की 90 टैब है, और यहाँ पे 1470 की है 120 टैब। बट आपको ये देखना है कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। यस, इसके अंदर बेसिकली क्या है, पर टैब कॉस्ट आ रही है 1225 रुपए, पर टैब कॉस्ट आ रही है 950 रुपए, बट इसमें केवल ग्लूकोजामिन है, इसमें ग्लूकोजामिन के अलावा एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें, वेज फॉर्मुलेशन है नंबर वन, नंबर टू 13.22 रुपए पर टैब, और इसके अलावा इसके अंदर है ग्लूकोजामिन के अलावा दो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोजामिन के अलावा दो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और दो बहुत ही पावरफुल, जी हाँ, दो बहुत ही पावरफुल नेचुरल पेन किलर। तो इंग्रेडिएंट्स वाइज अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको एक सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट सस्ता लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्रेडिएंट 5 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो पैराबिन इज इक्वल टू कैंसर, तो डेफिनेटली आपको पैराबिन जैसे पैराबिन वाले प्रोडक्ट जो है अगर आप महीने में 2-3 बार यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज में ले रहे हैं पैराबिन तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। और लीवर के ऊपर जैसे एक ट्रेडिशनल कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, अगर हम देखें उसका 150 रुपए का प्रोडक्ट भी आता है और उसका 100-125 रुपए का प्रोडक्ट भी आता है, और उसी कंपनी का 10,000 रुपए के आसपास भी एक प्रोडक्ट आता है जो कभी कभी 4,000-5,000 में बिकता है, 180 कैप्सूल्स सेम ब्रांड। तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल प्रोडक्ट से, एक क्लासिकल प्रोडक्ट से, तो हो सकता है कि आपको महंगा लगे, लेकिन जब आप उसी प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड फॉर्मुलेशन से तो आप उसी कॉस्ट को समझ पाएंगे। और हमारा जो लीवर का प्रोडक्ट है ये हार्डली 10 रुपए के आसपास टैब है इसकी, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लीवर को डिटॉक्स करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लीवर को रिजुविनेट भी करते हैं। तो ये है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। और मुझे लगता है मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप मुझे जरूर फीडबैक दें, अभी तक जो आपको समझ में आया प्रोफाइल को लेके, तो सवाल आपको समझ में आया और जो प्रोडक्ट वो मुझे जरूर शेयर करें, कौन से 2 पॉइंट आपने लिए प्रोडक्ट को लेके। तो मैं चाहता हूँ जल्दी आप मुझे शेयर करें, चैट बॉक्स में आपके सवाल आपके जवाब को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब हम लोग आएंगे बिजनेस प्लान के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप जरूर लिखें, इसका जवाब जरूर दें। USP ऑफ द प्रोडक्ट्स एम एंड पॉली हर्बल, ये संजीव बोरा जी का जवाब है, पॉली हर्ब्स पैराबिन फ्री, सुशील कुमार ठाकुर जी, वेरी गुड। अगले 3 आंसर मैं और पढ़ पाऊंगा आपके। पिंकी शर्मा जी, पैराबिन फ्री एंड कॉस्ट भी रिजनेबल है, कम है। आंचल जी, पैराबिन सल्फेट फ्री, एम टेक्नोलॉजी, आई एम ए रिकमेंडेड। VLCC जो हमारी पैरेंट कंपनी है, VLCC जो है वो VLCC IMA द्वारा रिकमेंडेड है। और एक्सट्रैक्ट विद एम वर्सेस नॉर्मल, गोपाल जी का कहना है, शुक्ला सरकार मैम, कंपैरिजन प्राइस एंड क्वालिटी फ्रॉम अदर्स कंपनी प्रोडक्ट्स। राजीव रंजन पाठक, पैराबिन सल्फेट फ्री पॉली हर्बल, एंड नीतू चौधरी पैराबिन फ्री। नुपुर मैम, GMP ग्रेड एंड एम टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गन स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन। चांदनी सिंह जी, अफोर्डेबल प्राइस। नीतू चौधरी जी, पॉली हर्ब्स, वेरी गुड, ग्रेट। तो ऑलरेडी अभी 164 लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, और
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले अगले संडे, जी हाँ अगले संडे ठीक 11:30 बजे, अगले संडे ठीक 11:30 बजे हम करने जा रहे हैं अपना रिकग्निशन इवेंट। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में, अपनी पूरी टीम को बताइए कि अगले संडे को हमें करना है अब तक का सबसे बड़ा रिकग्निशन इवेंट, और वहाँ पे होंगे द फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिस्टर लजिंदर बाबा जी हमारे साथ। यस, मिस्टर लजिंदर बाबा जी हमारे साथ होंगे, टॉप एक्टिवेटर और टॉप, जी हाँ, जो टॉप एक्टिवेटर्स होंगे और जो टॉप पीएसवी चैंपियन होंगे, यस, जो ठीक जो 20 तारीख सुबह 6 बजे तक, यानी 20 तारीख सुबह 9 बजे तक, मैं कह सकता हूँ 9 बजे तक, जो बेस्ट टॉप एक्टिवेटर होंगे, जो बेस्ट टॉप पीएसवी चैंपियन होंगे, हम उनका नाम अनाउंस करेंगे। और उसके बाद हम किसी भी टॉप एक्टिवेटर का नाम अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगले 10 दिन में, क्योंकि अगले 10 दिन में फैसला होना है, अगले 10 दिन में फैसला होना है मैजिक हैंड्स का। यस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो खूब मेहनत कीजिए, लोगों को लेके आइए। यस, ये मीटिंग मैंने कल प्रमोट की थी और ऑलरेडी हमारी जो कोर टीम है वो यहाँ पे है, तो अगली मीटिंग के लिए आप खूब मेहनत कीजिए। आज ठीक पाँच बजे जो हमारा पिछला जो सेलिब्रेशन विद CEO इवेंट था मिस्टर लजिंदर बाबा जी का, वो हम यूट्यूब में लाइव कर रहे हैं। आज यूट्यूब में लाइव होगा हमारा सेलिब्रेशन विद CEO लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था, तो उसको जरूर देखिए। और रात को 8:52 पे आज है हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, तो उसमें जरूर उसका जरूर हिस्सा बनिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में। और पैसा, देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें पैसा कितना बट रहा है, लोगों का सवाल होता है कि मेरी कंपनी बढ़िया, हर एक व्यक्ति कहता है कि उसकी कंपनी सबसे बढ़िया। यस, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि उसकी कंपनी सबसे बढ़िया है, बट आपको एक चीज़ देखनी है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में सेल्स वॉल्यूम कितना है, हर प्रोडक्ट्स में सेल्स वॉल्यूम कितना है, नंबर वन। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जैसे VLCC वेल्थ साइंस की मैं बात करूँ, 20% मिनिमम रिटेल मार्जिन, उसके अलावा ऑफर्स, 20% रिटेल मार्जिन, उसके अलावा ऑफर्स, और उसके अलावा 90% का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वॉल्यूम पे 90% का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड आजकल बहुत ज़्यादा हो गए, ट्रिप्स आप देख पा रहे हैं, ट्रिप्स आज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं VLCC में, बहुत कम क्राइटेरिया पर ट्रिप मिल रही हैं, गिफ्ट चलते रहते हैं, कई तरह के कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, और अभी मैजिक हैंड भी चल रहा है, तो ये सब कुछ VLCC में चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पहले ही हमारे बिजनेस की जो बहुत अच्छी, हमारे जो बिजनेस की जो स्ट्रॉन्ग USP है, हमारे बिजनेस की स्ट्रॉन्ग USP ये है कि हमारा वीकली पे आउट है, हफ्ते का पे आउट है, एक ID पे आप 1 से लेके 3 वीकली पे आउट ले सकते हैं, 1 से लेके 3 यानी महीने में 4 से लेके 12 पे आउट आप ले सकते हैं, 4 से 12 पे आउट महीने में आप ले सकते हैं वीकली पे आउट के रूप में, और 1 पे आउट हर बिजनेस सेंटर पे, तो 1 से लेके 3 पे आउट आप ले सकते हैं मंथली, यानी 12+3 15 पे आउट आप एलिजिबल कर सकते हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं 15 के 15 पे आउट लेता हूँ एक महीने में, और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो ऐसा करते हैं, 5 से लेके 15 पे आउट आप ले सकते हैं हमारे साथ, जो हमारी USP है। सबसे अच्छी बात हमारी क्या है कि मिनिमम रिटेल मार्जिन है 20%, कई कंपनी में मिनिमम रिटेल मार्जिन, किसी कोई प्रोडक्ट MRP पे खरीदते हैं, किसी पे 5% है, किसी पे 10 है, किसी पे 15 है, बट VLCC में सारे प्रोडक्ट मिलते हैं 20% रिटेल में। सबसे खास बात जो हमारी है, और अगर हम बात करें हमारे 95%, मतलब मैं कहूँगा हमारे 95% जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो सेल्स वॉल्यूम है विच इज़ 50%, भारत में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे भी हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम देती हो। यस, आप किसी भी कंपनी का ऑर्डर फॉर्म चेक करेंगे, वो फेस वॉश पे वॉल्यूम 20-30% देती है, वो शैम्पू पे वॉल्यूम 20-30% देती है, बट VLCC वेल्थ साइंस 50% वॉल्यूम देती है पर्सनल केयर के ऊपर, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर, और हमारे होम केयर के जो 4-5 प्रोडक्ट हैं उन पे हमारा वॉल्यूम है 40%, उनमें हमारा वॉल्यूम है 40%। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम बढ़ते हैं आगे की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो ये आप अपने पहले पे आउट से कितना दूर हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जिस भी कंपनी में हैं उस कंपनी में आप अपने पहले पे आउट से कितने दूर हैं, VLCC वेल्थ साइंस की जो खूबसूरती है, यहाँ पे आप अपने पहले पे आउट से, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें, आप जवाब जरूर दें जितने लोग हमारे साथ हैं, VLCC वेल्थ साइंस में आप अपने पहले पे आउट से
कितने दूर हैं। तो जल्दी से जल्दी जवाब दें, मैं जवाब पढ़ना चाहूंगा। और क्योंकि ये जो मीटिंग है हमारी, ये हमारी यूट्यूब में भी रिकॉर्ड होगी, तो आपका नाम हमेशा जब भी लोग देखेंगे इस मीटिंग को, आपका नाम लिया जाएगा। वेरी गुड, एंड राइट आंसर इज संजीव बोरा जी, वन एक्टिवेशन। यू आर ओनली वन एक्टिवेशन योगी दाना जी, ग्रेट। आप केवल अपने एक एक्टिवेशन से, रिक्रूटमेंट से नहीं, एक्टिवेशन से, आप केवल अपने एक एक्टिवेशन से दूर होते हैं अपने पहले पे आउट से। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जहां पे आपको अगर पहला पे आउट लेना है तो आपको लेफ्ट राइट की मैचिंग करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस मैच करना पड़ेगा, तो ही पे आउट आएगा। नंबर वन, कुछ कंपनी ने 50 PV करने पे, 100 PV करने पे पहला पे आउट आता है, अगर नहीं किए तो पे आउट नहीं आएगा। ग्रेट। तो 5% पहले ऑर्डर पे आपका आपका जो व्यक्ति आपके द्वारा जो रजिस्टर्ड एसोसिएट है वो कभी भी अपना ऑर्डर करें, आपको मिलता है 5%। ये मास लेवल की इनकम है, ये मास लेवल की इनकम है, क्योंकि ये इनकम हर एक व्यक्ति को आ सकती है। मतलब घर से निकलिए, एक टूथपेस्ट से भी आप किसी को एक्टिवेट करेंगे तो आपको पैसा आएगा। कोई मैचिंग नहीं चाहिए, कोई टाइटल नहीं चाहिए, वीकली ट्रांसफर हो जाता है, कोई TDS इसके लिए नहीं लगता है। तो ये है जबरदस्त। और मैं बहुत सारी कंपनी को जानता हूँ इंडिया में, और जहाँ पे रिटेल मार्जिन को कंपनी ने क्या किया, 17% रिटेल मार्जिन को, 15% रिटेल मार्जिन को दो हिस्से में बांट दिया, कि आप जो प्रोडक्ट है वो 15% की जगह 7% डिस्काउंट में लो और 7% हम आपके अकाउंट में दे देंगे। क्या ये सही है? मैं सही गलत कुछ नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में। बट अगर हम VLCC की बात करें, VLCC पहले दिन से बहुत सारी कंपनी है जो कहते हैं ये प्रोडक्ट ज्वाइनिंग पे अवेलेबल नहीं है, ये ऑफर ज्वाइनिंग पे अवेलेबल नहीं है, ये जितने भी ऑफर्स हैं ये ज्वाइनिंग पे अवेलेबल नहीं है। बट VLCC के अंदर अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी ऑफर है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो सबके लिए अवेलेबल है। तो ये है VLCC की बहुत ज़बरदस्त VLCC की ये USP है। और कुछ कंपनी MRP भी ज्वाइनिंग कराती हैं, कुछ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस भी होते हैं। तो यहाँ पे VLCC के साथ एक बहुत स्ट्रांग बात है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी से एक इंस्टेंट ओके तो एक इंस्टेंट एक्शन की ज़रूरत थी मेरे लैपटॉप को, क्योंकि ये चार्जिंग इसकी कम हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही आपको भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है जब आपको लग रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही। कई लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को बंद कर देते हैं एक गुफा में, एक घर में, और उन्हें लगता है बाहर कुछ नहीं हो रहा। यस, उन्हें लगता है बाहर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो घर से बाहर निकलिए, घर पे रहते हुए जूम मीटिंग में आइए, अपलाइन से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनी कहती हैं कि आपको अगर पहला पे आउट लेना है तो एक लेफ्ट राइट में इतने वॉल्यूम मैच करो, या लेफ्ट में डबल करो, राइट में सिंगल करो, तो ही पैसा मिलेगा। तो VLCC में ऐसा नहीं है। और ये है हमारी इनकम नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं टीम बोनस। और इसको सुनने के बाद आप मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे अरे वाह, लिख देंगे आप अरे वाह, क्योंकि ये इस इनकम में हमारा 60% पैसा, इनफैक्ट कई बार तो 66% पैसा बिजनेस वॉल्यूम का खर्च हो जाता है टीम बोनस में। कई कंपनी मैं अगर आपसे बात करूं, मैं 3-4 कंपनी को जानता हूं, उन कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी भारत में ऐसी नहीं है जो बिजनेस वॉल्यूम पे 60% से ज्यादा पैसा बांटती हो। यस, बट VLCC बांटती है 60%। सुनने के बाद अरे वाह लिखना है, पहले नहीं लिखना, बहुत सारे लोगों के अरे वाह मुझे मिल गए। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है इस इनकम में। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे है कैरी फॉरवर्ड। 210,000 रुपये वीक से लेके 210,000 रुपये वीक से लेके 630,000 रुपये वीकली, 840,000 रुपये से लेके 25,20,000 रुपये मंथली आप कमा सकते हैं इस इनकम से। और ये इनकम बहुत ज़बरदस्त है। अब आप अरे वाह लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, और इतने सारे अरे वाह आ गए हैं कि मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी पहले 5 लोगों का नाम तो मैं ज़रूर लूँगा। यस, तो नीतू चौधरी जी, प्रेमशिला गुप्ता जी, मधु चतुर्वेदी जी, मीनाक्षी पोखरियाल जी एंड अजय शर्मा जी, ग्रेट एंड वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच, पहले 5 का ही पढ़ पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5,000 वॉल्यूम लेफ्ट, 5,000 वॉल्यूम राइट, आपकी इनकम आती है 600 रुपये। अगर इधर है 8,000, इधर है 6,000, तो 5,000 वॉल्यूम मैच हो जाता है, यहाँ से 1,000, यहाँ से 3,000 हो जाता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है, 25,20,000 रुपये की इनकम के लिए कैरी फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है। जितनी भी 2 लाख की कंपनी है, उनमें
आपका पहला जो ऑर्डर होता है एक्टिवेशन का, वो आपकी मैचिंग में काउंट नहीं होता। ध्यान से सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जितनी भी कंपनीज होती हैं 2 लाख वाले प्लान में, वहां पे क्या होता है कि आपका जो पहला ऑर्डर होता है वो काउंट नहीं होता आपकी मैचिंग के लिए। बट वीएलसी वेल साइंस में जो आपका पहला ऑर्डर है 5,000 वॉल्यूम का, 2,500 वॉल्यूम का, वो भी आपके लिए मैचिंग में काउंट होता है ना ग्रेट। तो यहाँ पे कंपनी की नीयत आपको समझ में आती है। कंपनी की नीयत ये नहीं है कि वो एसोसिएट का पैसा उनसे ले लिए। 60% डिस्ट्रीब्यूशन एसवी के ऊपर है, जो आपको दिखता है वो मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कई कंपनियों में क्या है, हमारी तरह जैसे हमने कहा 60%, वो कहते हैं कि हम इस इनकम में बांटेंगे 30%, इस इनकम में बांटेंगे 20%, इस इनकम में बांटेंगे 50%। बट देर इज नो फिक्सेशन, कुछ भी फिक्स नहीं है। और यहाँ पे जो एक समस्या ये है, ज्यादातर कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ऐसी है कि उसको आप विश्वास भी नहीं कर सकते। ऐसी कंपनी में आपको नहीं पता कि अगर आप लेफ्ट में इतना डाल रहे हैं, राइट में इतना डाल रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में पे आउट कितना आएगा। और वो जो कंपनीज है, उन कंपनीज वो जो लाला छाप कल्चर है, वहां पे जो लाला छाप कल्चर है, अगर लाला को रात को लगा कि घाटा हो रहा है, तो लाला जो शेयर की वैल्यू है 600 रुपए की जगह 500 भी कर सकता है, 400 भी कर सकता है, 300 भी कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कॉर्पोरेट कंपनी, मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जो जिनके प्लान में भी ऐसा है, बट वो जो कंपनी है क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी बढ़िया है, उनकी कोर वैल्यू जो स्ट्रांग है, तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनीज में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि अगर मैंने 40,000 वॉल्यूम मैच किए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैंने 20,000 वॉल्यूम मैच किए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैंने 10,000 वॉल्यूम मैच किया तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आपको दिखे वो आपको मिले भी। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो पर्सनल वॉल्यूम होता है वीएलसी वेल साइंस में, उस पर आपको 2 बार पैसा मिलता है। क्योंकि पहला ऑर्डर आप डालते हैं हमारे 01 बिजनेस सेंटर पे, और उसके बाद के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो आप डालते हैं अपने नीचे वाले बिजनेस सेंटर पे। वो क्या होता है, 2 बार काउंट होता है आपके लिए, 02 की मैचिंग पे भी और 01 की मैचिंग पे भी। तो आपको अपनी पर्सनल परचेजिंग पे ज्यादा फायदा मिलता है, आपको अपनी पर्सनल परचेजिंग पे मिलता है ज्यादा फायदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी में। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, ये आप हैं, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो इसको मैं एक व्हाइट बोर्ड से आपको समझाना चाहूंगा और व्हाइट बोर्ड से मैं आपको समझाना चाहूंगा इसको और ये है आप, ये आप हैं, और ये है आपकी 1 लैग, ये है आपकी 2 लैग, यस ये है आपकी 2 लैग। जब आप इसको और इसको बिल्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पैसा आ रहा है, यस आपको यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन इस आईडी पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जब भी आप इनर लैग बिल्ड करेंगे आपको यहाँ पे भी पैसा आएगा, जब आप इनर लैग बिल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे भी पैसा आएगा। यानी काम आपने एक बार किया पैसा मिलेगा 2 बार, काम आपने एक बार किया पैसा मिलेगा 2 बार। ये हमारे प्लान की एक बहुत अच्छी USP है। और अगर आपने अपनी आईडी को एक्टिव रखा है तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हमारी कंपनी में किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल पे भी खत्म नहीं होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली यहाँ पे योगी जी ने मुझे लिखा है, अरे वाह, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ खास चीजें बताना चाहूंगा आपको। नो वॉल्यूम लैप्सेशन इन एनी लेवल। कुछ कंपनीज में क्या होता है, वो कहते हैं ज्वाइनिंग का प्लान ये है, रिपर्चेज का प्लान ये है। मेरी परसों एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कह रहा था सर हमारी कंपनी में तो बहुत सारी इनकम। मैंने कितनी इनकम है, कह रहा हमारी कंपनी में 9 इनकम है। मैंने कैसे, कह रहा 4 इनकम ये है ज्वाइनिंग वाले वॉल्यूम पे और 5 इनकम है रिपर्चेज वाले वॉल्यूम से। और जब मैंने उसको स्टडी किया तो मैंने देखा कि जो रिपर्चेज का प्लान है वो बहुत कमजोर है। जो रिपर्चेज का प्लान है, जो बार बार के प्रोडक्ट बिकने का प्लान है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि जब एक आदमी आपके साथ बिजनेस में आया, आपने उसको गले लगाया, आपने उसको रसगुल्ले खिलाए, आपने उसके लिए समोसे बनाए, और एक बार जब वो बिजनेस में आ गया और जब वो उसने काम करना शुरू कर दिया तो आपने कहा रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, आप बेसन का लड्डू मिलेगा। यस, अब समोसे नहीं मिलेंगे, अब तो बस बेसन के लड्डू से ही काम चलाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपकी कंपनी का प्लान ज्वाइनिंग और रिपर्चेज में सेम रिवॉर्ड करता है। मुझे लिखिए हाँ, यस,
और अगर नहीं तो ना, जरूर लिखिए फटाफट से चैट बॉक्स में क्या आपका प्लान ज्वाइनिंग और रिपर्चेज पे सेम तरीके से रिवॉर्ड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे काफी सारे चैट बॉक्स आ रहे हैं। अगेन पहले चार लोग एंड देवेंद्र राठौर जी, संजीव बोरा जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, आशा नेगी जी, मंजू बहुना जी, रंजीव पाठक जी, रंजीव रंजन पाठक जी, सुशीला गुप्ता जी, योगेंद्र सैनी जी, आर आर सिन्हा जी एंड सुनील कुमार, रजनी नाना जी एंड मधु चतुर्वेदी जी। वेरी गुड। तो हम बढ़ते हैं आगे। वॉल्यूम लैप्सेशन कितना जरूरी है, वॉल्यूम का लैप्स होना कितना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं एक उदाहरण से, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं और एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे आप इस पिक्चर पे देख रहे हैं, जैसे आप इस पिक्चर पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के लेफ्ट में आया 2 लाख का बिजनेस। देखो दोनों टीमें एक समान नहीं चलती। किसी की प्राथमिकता कुछ समय के लिए चेंज हो जाती है, घर में कोई फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमार है। इस टीम में इस महीने आया 2 लाख का बिजनेस, इस टीम में आया 50,000 का बिजनेस। मैचिंग कितने की हुई? मैचिंग हुई 50,000 रुपए की। इनकम आई सपोज कीजिए 5,000-6,000 रुपए, प्लान के हिसाब से 5,000 रुपए आ गए। महीने की 30 तारीख को 1.5 लाख वॉल्यूम, 1.5 लाख वॉल्यूम। और जिन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ जहां पे वॉल्यूम लैप्स होता है, उन कंपनीज में जो वॉल्यूम है वो 30% है एवरेज। क्योंकि साबुन में तो वॉल्यूम वैसे भी कम ही होता है, लेकिन जो फेस वॉश है उसमें वॉल्यूम कम है, शैम्पू में कम है, सभी में वॉल्यूम कम है। यानी कि 1.5 लाख का मतलब 5 लाख रुपए की सेल आपकी जीरो होगी अगले महीने, क्योंकि इन लोगों ने खूब प्रोडक्ट खरीदे थे। तो इन्होंने कहा अगले महीने हम थोड़ा सा आराम करते हैं, ये लोग जागृत हुए, इन्होंने किया 2.5 लाख वॉल्यूम। यहाँ से आए 50,000 वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड है नहीं, इनकम फिर से वही 5,000-6,000 रुपये। वही ढाक के 3 पात। आपने बिजनेस कितने का दिया? आपने बिजनेस दिया 15 लाख रुपए का, आपकी इनकम आई 12,000-15,000 रुपए की। VLCC वेल साइंस में अगर हम बात करें, VLCC वेल साइंस में क्या होता है, इधर 2.5 लाख वॉल्यूम, सॉरी VLCC वेल साइंस में क्या होता है, इधर 2 लाख वॉल्यूम, इधर 50,000 वॉल्यूम। पे आउट आया आपका, सब कुछ मिला दें अगर तो 10,000 रुपए का पे आउट आया, 10-12,000 का पे आउट आया। और ये 1.5 लाख वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1.5 लाख वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगले हफ्ते या अगले महीने यहाँ से आया 50,000 वॉल्यूम, 1.5 + 50 2 लाख वॉल्यूम। यहां से आए 2.5 लाख वॉल्यूम, 2 लाख 2 लाख 40,000 रुपए का पेआउट, सब मिला के 40-45,000 का पेआउट आया और 50,000 फिर भी कैरी फॉरवर्ड है। तो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं आपसे, क्या कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए? और अगर आप यस करते हैं तो आपको लिखना है बड़ी वाली यस, आपको लिखनी है बड़ी वाली यस, क्योंकि ये छोटी वाली यस से काम नहीं चलेगा। और इस बार मैं जो 10 लोग होंगे, इस बार जो टॉप दस लोग होंगे मैं उनका नाम जरूर पढ़ूंगा टॉप 10 का। और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं इस मीटिंग में, तो मैं उनको फटाफट से को होस्ट बना लेता हूं। मेरे लिए आसान रहेगा अगर आप लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं और आप अपना हैंड रेज कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। और ग्रेट, तो काफी सारे काफी सारी यस आई है। मैं वही यस पढ़ पाऊंगा जिसके आगे लिखा होगा बड़ी वाली यस, बड़ी वाली यस मुझे पढ़ना है। एंड यस, तो ये अगर हम बात करें तो मोहनलाल सैनी ने लिखी है एक बड़ी वाली यस, सुशील कुमार ठाकुर जी ने लिखी है बड़ी वाली यस, एंड गीता शर्मा जी सुशील ठाकुर जी, गोपाल रावल जी, रंजीत पंडित जी, साधना रयाल जी, सुभाष सेमल्टी जी, रुमा दास जी एंड संजीव बोरा जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कंपनियों का मैं देखता हूँ, उन कंपनीज का क्या है, कुछ कंपनी क्या करती है, ज्वाइनिंग का प्लान अलग, रिपर्चेज का प्लान अलग। और कुछ कंपनी क्या करती है, वो आपको बोलती है कि जब आपने ज्वाइन किया तो आपने कितने वॉल्यूम से किया था। अगर आपने ज्वाइन किया 1,500-2,500 रुपए से, तो आपके लिए कंपनी का जो प्लान होगा, कंपनी की जो मैचिंग इनकम होगी, वो हो जाएगी केवल और केवल 15-20,000 रुपए हफ्ते की, 15-20,000 रुपए हफ्ते की। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया तो आपने एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया। अगर आपने सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट किया जो उससे बड़ा है, आपकी इनकम हो जाएगी 25,000 रुपए हफ्ते से। अगर आपने उससे बड़े ऑप्शन से शुरू किया
तो आपकी इनकम हो जाएगी 75,000 रुपये हफ्ते की। और अगर आपने सबसे बड़े ऑप्शन से स्टार्ट किया, जिससे उसे उन्हें मालूम होता है कि 1-2% लोग ही शुरू करते हैं, तो आपकी इनकम जाती है 1.5 लाख रुपये हफ्ता से। यस, तो आप सोचिए क्या ये सही है, क्या ये सही है? क्योंकि जब व्यक्ति शुरू करता है तो उसके पास इतनी विजन नहीं होती, जब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसकी विजन इतनी बड़ी नहीं होती, उसकी इतनी समझ नहीं होती और उसका बिलीफ इतना नहीं होता। बट क्या उसके हिसाब से उसकी आमदनी सेट करना सही है? तो यहाँ पे आपका आप लिखेंगे मुझे एक बड़ी वाली, अरे वाह, क्योंकि VLCC वेल्थ साइंस में आप 500 सेल्स वॉल्यूम से स्टार्ट करें, 500 सेल्स वॉल्यूम से स्टार्ट करें या 50,000 सेल्स वॉल्यूम से स्टार्ट करें, एक बिजनेस सेंटर के जो आपकी इनकम होती है वो 2,10,000 रुपये वीकली होती है, 8,40,000 रुपये मंथली होती है। तो ये है हमारा एक जबरदस्त बिजनेस प्लान। और अगर हम आगे बढ़े तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो VLCC वेल्थ साइंस के प्लान की खूबसूरती यही है कि ₹100 पे आपको इतना कुछ मिल जाता है, इतने सारे ऑफर मिल जाते हैं उसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर बोनस पे मैचिंग, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आपके लिए हो जाता है इनकम करना बहुत आसान। बहुत सारी फीमेल मुझे कहती हैं कि सर ब्यूटिशियन मुझे कहती हैं कि यहाँ पे तो केवल 20% मिलता है और 20% में हमारा काम कैसे चलेगा, हमें कस्टमर को डिस्काउंट भी देना पड़ता है तो कैसे होगा। बट आप देखिए VLCC वेल्थ साइंस में केवल 20% रिटेल मार्जिन नहीं मिलता, ये रिटेल मार्जिन 20% से बढ़ के 50-60-70% जाता है। अगर आप अपना पे आउट जोड़ दें तो कई बार ये 180-190-200% जाता है। तो आपको समझना है कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर समझिए। स्टार्टर बोनस, ये इस बिजनेस की बहुत महत्वपूर्ण इनकम है, स्टार्टर बोनस इस बिजनेस की बहुत महत्वपूर्ण इनकम है। 5,000 वॉल्यूम पे ₹400 एक्स्ट्रा, 10,000 वॉल्यूम पे ₹700 एक्स्ट्रा, 20,000 वॉल्यूम पे ₹1,400 एक्स्ट्रा। तो ये जो इनकम है, ये जो तीन इनकम है, इसके बाद यहाँ पे हो जाती है आपकी इनकम 20% मैचिंग का, 20% मैचिंग का 20% कोई कंपनी इंडिया में नहीं देती। ये VLCC वेल्थ साइंस की खूबसूरती है कि मैचिंग पे आपकी जो इनकम है वो 20% से बढ़ती जाती है, 20 उसके बाद ये 28-30% तक जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथली बोनस है, महीने में 5,000 वॉल्यूम कोई भी कर सकता है। अगेन व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देखिए हमने अपने प्लान के मैक्सिमम हिस्से को फिक्स रखा है, सारा फिक्स नहीं रख सकते लेकिन मैक्सिमम हिस्से को हमने फिक्स रखा है हमारे प्लान का। अगर आप देखेंगे तो 71% पैसा जो हम बांट रहे हैं 70% के आसपास वो फिक्स है। यस, तो 5,000 वॉल्यूम की मैचिंग पे ₹500 फर्स्ट ऑर्डर बोनस, ₹600 टीम बोनस और ₹400 स्टार्टर बोनस। अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर बोनस हटा भी दें तो भी 20% की मैचिंग। ये हमारे प्लान की एक बहुत खूबसूरत इनकम है। और 20% मैचिंग, 20% मैचिंग, ₹172 कैसे आते हैं, ये कुछ लोग पूछना चाहते हैं। तो आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा आखिरी स्लाइड तक, इनकम नंबर 8 पे, वहाँ पे हम बहुत डिटेल से समझाएंगे, तो आपको रुके रहना है मेरे साथ तब तक। यस, बट अगर मैं आपसे बात करूँ VLCC वेल्थ साइंस की जो मैचिंग है, अगर हम उसको देखें तो 5,000 वॉल्यूम, 10,000 वॉल्यूम, 20,000, 25,000, 5,000, तो ये 20% से ऊपर है, ये 20% से ऊपर है और ऊपर के लेवल पे लगातार बढ़ती जाती है। यस, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर बोनस छोड़ भी दें तब भी ये 20% से ऊपर है। तो क्या आप लिख सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में 20% प्लस मैचिंग वाला प्लान? कितने लोग लिख पाते हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप मुझे लिखें 20% प्लस मैचिंग वाला प्लान। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो सेशन है आपके लिए। तो जरूर लिखें मुझे, और डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने लिखना शुरू भी कर दिया है, और ग्रेट। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो ग्रेट लीडर होते हैं वो हमेशा मीटिंग्स ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये एक चॉइस नहीं है, ये कार्डिनल रूल्स है, ये कोर स्टेप्स हैं। अगर आपको कामयाब होना है किसी बिजनेस में, जो आदमी मीटिंग में नहीं आता, ट्रेनिंग में नहीं आता, आप देखेंगे उसके चेक्स लगातार गिरते रहेंगे,
उसके चेक्स लगातार गिरते रहेंगे, जब अपनी टीम से बात करेगा उसकी बात में वो दम नहीं होगा, वो अपने डाउनलाइन को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आते रहिए, और मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो हर मुश्किल में मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मीटिंग्स ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आप बिजनेस से बाहर होने के कगार पे, आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, बट लेकिन अगर आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे, ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे, तो आप मीटिंग से बाहर होने के कगार में। संजीव बोरा जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, शुक्ला सरकार जी, राजीव रंजन सिन्हा जी, मीना कठैर जी, पिंकी शर्मा जी, गीता शर्मा जी, साधना रयाल जी एंड कंचन गुप्ता जी एंड सुनील कुमार, तो काफी लोगों ने लिख दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनी क्या करती है, अपने प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, इतना मुश्किल कर देती है कि नए व्यक्ति को समझ में नहीं आती। वो कहता है ज्वाइनिंग से बिजनेस आएगा ये इनकम, रिपर्चेस से बिजनेस आएगा ये इनकम, और जो बिजनेस अपलाइन द्वारा स्पॉन्सर टीम से आएगा वो आपके लिए, वो रिपर्चेज आपके लिए काउंट ही नहीं होगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड कि अगर सुशील कुमार ठाकुर जी की ने मेरी टीम में स्पॉन्सर किया गोपाल रावल जी को, और गोपाल रावल जी की पूरी टीम में कैरी फॉरवर्ड होता है 1 करोड़ का, तो मेरे लिए वो कहीं काउंट नहीं होगा। ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड प्लान मार्केट में है। तो वीएलसी वेल्थ साइंस का जो प्लान है वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, साथ में एक ब्रांड वैल्यू भी है। 5,000 वॉल्यूम पे अगर हम देखें, मार्केट में देखें, तो वीएलसी वेल्थ साइंस देता है 1,000 रुपए की इनकम प्लस फर्स्ट ऑर्डर बोनस प्लस गिफ्ट प्लस रिवॉर्ड। जो बहुत सारी लैग वाले प्लान होते हैं वहां पे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए आता है। जो 2 लैग वाले प्लान है मार्केट में 500 रुपए भी आता है, किसी किसी में एक आदमी 1,000 रुपए भी आते हैं। बट जो वीएलसी की ब्रांड वैल्यू है उसकी बात ही अलग है। डेवलपमेंट बोनस ही हमारी पहली इनकम है जो कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंड करती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें जो भी लोग इसको ले रहे हैं, पिछले महीने ये 1,957 रुपए के आसपास आई है, तो ये आप समझ सकते हैं कंपनी जो है इसको 1,500 से लेकर 2,000 रुपए कहती है, और ये आज तक कभी भी 1,500 रुपए से कम नहीं आई है। इनफैक्ट ये बहुत मुश्किल से किसी हफ्ते ये 1,700 रुपए के आसपास आई है, बाकी ये 1,800 से 2,000 के बीच में रहती है। तो ये कंपनी के टर्नओवर का 6% है, 25,000 वॉल्यूम की मैचिंग में मिलता है। और इसके अलावा हमारी कंपनी में है कार बोनस। कार बोनस का मतलब क्या है? कार बोनस का मतलब है 1,25,000 वॉल्यूम मैच करना है कंपनी के टर्नओवर का 5% मल्टीपल अनलिमिटेड अनकैप्ड शेयर। तो ये इसकी खूबसूरती है। और जैसे हम लोग डेवलपमेंट बोनस की बात करते हैं, डेवलपमेंट बोनस की शेयर वैल्यू बढ़ी रहे इसलिए कंपनी एक बिजनेस सेंटर पे 2 शेयर देती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीपल कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 500-700 रुपए आ पाएगी, तो कंपनी ने इसको फिक्स किया हुआ है। बड़ी इनकम बड़ा पैसा चाहिए, तो हमने आपके लिए रखा है कार बोनस 1,25,000 वॉल्यूम पे है, तीनों बिजनेस सेंटर पे है, और जितनी गहराई तक जाएंगे ये लगातार बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे आपके मुंह से निकल जाएगा अरे वाह जब आप सुनेंगे इसको, ड्रीम हाउस भी है हमारे पास, और ड्रीम हाउस में 2,50,000 वॉल्यूम की मैचिंग भी मिलता है, अनलिमिटेड डेप्थ तक है, कोई कैपिंग नहीं है, तीनों बिजनेस सेंटर पे है। तो अगर हम बढ़ते हैं आगे, कार बोनस देखिए, यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है हमारी कार बोनस पे, हाउस बोनस पे और डेवलपमेंट बोनस पे, जितना ऊपर आप बढ़ते हैं, जितना ऊपर आप जाते हैं, इसकी शेयर वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर 25,000 वॉल्यूम पे है 1 शेयर, तो 30,000 पे ये लगभग अगर आप 30,000 पे ये 1 point something हो जाएगा, 26,000 पे 1 point something, 35,000 पे 1 point something। तो ये जो शेयर वैल्यू ये बढ़ती रहती है, ये जो उसकी खूबसूरती है कार बोनस की या हाउस बोनस की या डेवलपमेंट बोनस की, ये उसी अनुपात में बढ़ता रहता है। यस, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अनलिमिटेड डेप तक 10,000 में, 10 करोड़ में, 10 लाख में लेवल तक ये आपको मिल सकता है, अनकैप्ड है। यही बात है हाउस बोनस की भी, अनलिमिटेड अनकैप्ड, और 2,50,000 वॉल्यूम के बाद जितना ऊपर जाएंगे उतना ये बढ़ता रहेगा, ये 4% मिलता है। और देखिए एक काम पे इनकम बार बार मिलती है वीएलसी वेल्थ साइंस में, आप 2,50,000 वॉल्यूम मैच करते हैं फर्स्ट ऑर्डर बोनस मिलेगा अगर आपने कोई नया व्यक्ति स्पॉन्सर किया है, टीम बोनस एक बिजनेस सेंटर में 50 शेयर मिलेंगे, डेवलपमेंट बोनस 2 शेयर मिलेंगे, कार बोनस 1,25,000 के हिसाब से, हाउस बोनस, ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो ये 70,000 रुपये हो जाएगा, विच इज 28% मैचिंग, 28% की मैचिंग ये हो जाती है। और मैंने इसमें फर्स्ट ऑर्डर बोनस नहीं जोड़ा है, रिवॉर्ड नहीं जोड़े हैं। अगर आपने रिवॉर्ड कर लिया, अगर आपने 5,00,000 वॉल्यूम कर लिया तो आपको 20,000 रुपये और मिल जाएंगे, अगर आपने 10,00,000 वॉल्यूम कर लिया तो आपको 50,000 रुपये और मिल जाएंगे, तो वो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है।
एक बार काम कीजिए, बार 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 पैसा मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं आम के आम और गुठलियों के बार बार दाम। यस, तो अरे वाह लिख दिया है डॉक्टर सतीश जी ने, मोहनलाल सैनी जी ने। तो क्या आप लिख सकते हैं आम के आम और गुठलियों के बार बार दाम, क्योंकि गुठली तो एक ही है बट बार 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 बार। पराग बाली जी लिख रहे हैं ग्रेट, डेफिनेटली ये ग्रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कहावत थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो गई, बट फिर भी देवेंद्र राठौर जी ने लिख लिया है आम के आम गुठलियों के बार बार दाम, एंड वेरी गुड। क्या जज्बा है हमारे लोगों के पास। शुक्ला सरकार मैम, सुभाष सेमल्टी जी, संजीव बोरा जी, राकेश रमोला जी जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, एंड मधु चतुर्वेदी जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, राजीव रंजन पाठक जी, डॉक्टर सतीश जी, सरिता राणा जी, कविता अनुराग बाली जी, साधना रयाल जी, नीतू चौधरी जी, पिंकी शर्मा जी, मीना कटहत जी, गौरव जेठरी जी, सुनील कुमार जी, मौसमी जी, आशा नेगी जी, मोहनलाल सैनी जी, एंड आम के आम गुठलियों के दाम। तो बाकी लोगों के मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा लिमिटेड है। रॉयल बोनस, और इसके बाद मैं आपको एक जबरदस्त चीज देने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, आधा परसेंट अनलिमिटेड डेप तक। ये इनकम बहुत बड़ी है, ये इनकम काफी बड़ी है। और जो तीनों इनकम है, अगर रॉयल बोनस आप क्वालिफाई करेंगे, जिस दिन आप रॉयल बोनस क्वालिफाई करेंगे, आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लोग क्या करते हैं, जिनकी विजन कमजोर होती है, जिनकी दूरदृष्टि कमजोर होती है, जिनकी विजन कमजोर होती है, वो छोटी छोटी चीजों में लग जाते हैं। ये नहीं हुआ, अपलाइन ने ये नहीं किया, डाउनलाइन ने ये नहीं किया, इसने मुझसे ये कर लिया। एक बड़ी विजन रखिए। 50 लाख वॉल्यूम जब आप मैच करेंगे, टीम बोनस के 1000 शेयर होंगे उस दिन, 8,40,000 रुपये टीम बोनस आ रहा होगा। डेवलपमेंट बोनस के 2 शेयर होंगे, लेकिन कार बोनस के 40 शेयर होंगे, 2,40,000 रुपये कम से कम आपको आ रहा होगा। कार बोनस 2,20,000 रुपये के आसपास आ रहा होगा आपको। हाउस बोनस, रॉयल बोनस का शेयर 25,000 रुपये, सब मिला के 13.5 लाख रुपये। और जब आप 50 लाख वॉल्यूम मैच करने होंगे उसी हफ्ते, क्योंकि आप पहले भी 50 लाख कर चुके होंगे, 50 लाख और जोड़ के उसी हफ्ते आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव क्राउन, और आपको 2 लाख रुपए और मिलेगा, विच मींस मोर देन 15 लाख की इनकम रिवॉर्ड और फर्स्ट ऑर्डर बोनस अगर हम जोड़ दें। कोई कॉन्टेस्ट चल रहा होगा, कोई ट्रिप्स चल रही होगी, वो अलग है। तो ये है हमारे प्लान की स्ट्रेंथ। बड़ा सोचिए, बड़े को विजुलाइज कीजिए, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके सामने, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। देखिए ये एक सवाल था जो मुझसे पूछा था पहले किसी ने, कि 100 रुपए का 170 रुपए कैसे होता है। तो ये थोड़ा सा इस पे हम लोग अभी जाएंगे। अनलिमिटेड इनकम के क्या फायदे हैं। हमारे प्लान में 3 इनकम है जो अनलिमिटेड है, कार बोनस 5%, हाउस बोनस 4%, रॉयल बोनस 0.5%। 5%, 4% और 0.5%। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार, हाउस, रॉयल और 3 बिजनेस सेंटर पे आप ले सकते हैं। तीनों इनकम को 3 बिजनेस सेंटर पे आप ले सकते हैं। तो हमने अपने प्लान के लगभग 10% हिस्से को रखा है आपके लिए अनलिमिटेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि शेयर वैल्यू भी बनी रहे और आप जो बड़े लीडर हैं उनको भी अच्छी आमदनी मिल सके। देखिए बेसिकली क्या होता है कि टीम ऐसे बिल्ड होती है, 4 के 16, 16 के 64, मतलब ऐसे ही बढ़ सकता है बिजनेस। कुछ कंपनीज कहती हैं हमारा प्लान 3 लेवल का है, बस 3 लेवल का प्लान है हमारा। यस, कुछ कंपनीज कहती हैं उनका प्लान है केवल 3 लेवल का, और कुछ कंपनी का प्लान डिफरेंशियल पे होता है, हमारा प्लान केवल 3 लेवल का, तो इतना ही मिलेगा। कुछ कंपनी कहती है अगर आपने 12 लाख चला ली, 12 लाख में इतना वॉल्यूम कर लिया, ये कर लिया, तो हम आपको 7 लाख तक देंगे। कुछ कंपनीज कहती है हम आपको 9 लाख तक देंगे, 9 लेवल तक देंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, जितना नीचे जाएंगे वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। तो जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, डेप्थ में है बड़ा पैसा। कितने लोग लिख पाते हैं, जल्दी से लिखिए डेप्थ में है बड़ा पैसा। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि ये लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम तो जाएगा, लेकिन वेरी गुड। अरे वाह, देवेंद्र राठौर जी की स्पीड बहुत तेज है, एंड इस समय तो जबरदस्त लोग सब तैयार हैं। देवेंद्र राठौर जी, प्रेमशिला गुप्ता जी, नीतू चौधरी जी, कविता बाली जी, रजनी जी, योगी राणा जी, सुभाष सेमल्टी जी, शुक्ला सरकार मैम, पिंकी शर्मा जी, संजीव बोरा जी, राजीव रंजन पाठक जी, साधना रयाल जी, स्मिता शर्मा जी, संदीप उपाध्याय जी, मीना कटहत जी, रूमा दास जी, डॉक्टर आके सर, क्या 3 नाम और पढ़ पाऊंगा, चांदनी सिंह जी, मोनिका रावत जी, नाचल पसपुला जी, एंड आशा नेगी जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में है पैसा। तो कंपनी का जो प्लान है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको अनलिमिटेड अनकैप्ड इनकम दे। कार बोनस, हाउस बोनस एंड रॉयल बोनस, ये इनकम बहुत बड़ी होने वाली है, ये 25,20,000 रुपए की जो टीम बोनस है, ये उसके सामने बहुत छोटी महसूस होने वाली है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है
31 मैसेज नए आ चुके हैं इस समय, तो हमारे साथ इतने सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आप सभी का दिल से आभार देता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके प्रेम के लिए। जैसे एक कंपनी का मैं देख रहा हूँ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट अगर हम देखें कुछ कंपनीज में का प्लान इस तरीके से होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई अगर 14 लेग में आपने डायरेक्टर बना लिए तो साइड में इतना वॉल्यूम चाहिए और पैसा मिलेगा 9 लेवल तक इतना। जितने नीचे लेवल जा रहे हैं परसेंटेज कम हो रही है और ये इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और देखिए आप देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पे है बड़ा पैसा, लेकिन वो आप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो लीडर्स है वो चाहेगा मेरी 16 लैग हो मेरी 16 हजार लैग्स हो, लेकिन विड्थ आपको स्टेबिलिटी नहीं देती, आपको स्टेबिलिटी देती है डेप्थ। डेप्थ भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और ज्यादातर जो कंपनियां हैं, जो मल्टी लैग कंपनियां हैं जिनमें 4 लैग 12 लैग 16 लैग हैं, उनका पे आउट 60-62% होता है, लेकिन कंडीशन बहुत सारी है जिसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है, और टर्नओवर के ऊपर तो पे आउट आता है वो बहुत कम आता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकम नंबर 9 जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे, आप एक्साइटेड थे, और क्योंकि आप जानते हैं 100 रुपये पे 120 रुपये के अलावा बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, 2 के साथ 1 फ्री, यानी 33% एक्स्ट्रा, 20+33=55, 55% तक ऑफर जा रहे हैं इस समय। ये वाला नई ज्वाइनिंग पे 8-10% का ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर में हम बहुत जबरदस्त, बहुत ऐतिहासिक, बहुत हिस्टोरिकल बदलाव करने वाले हैं आपके लिए। कंसिस्टेंसी जो बोनस है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप VLCC के साथ अगले 6 महीने में देखेंगे कि ये कंपनी कितने जबरदस्त तरीके से आपके बिजनेस को बढ़ाती है। कंसिस्टेंसी ऑफर 10-20% एक्स्ट्रा, यानी 100 पे 120 के अलावा 130, 135, 155, इसके अलावा कंसिस्टेंसी 165, 175, एक्टिवेशन क्योंकि नए को मिलता है तो मैं वो ऐड नहीं करूंगा, तो 100 पे 170 तो ऑलरेडी हो चुका है। मिनी स्टॉक पे 10-12%, 100 पे 170-180 ऑलरेडी हो जाएगा। और इसको समझने के लिए ये चार्ट यूज करते हैं हम लोग, ये वाला चार्ट 100 पे 120, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मंथली ऑफर में 130, 135, 140, हालांकि जो ऑफर आजकल चल रहे हैं उसमें ये 155 भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ड्री केयर है 2+1, जो लोग मेरे साथ अभी जूम मीटिंग में ये उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे उनको देखना पड़ेगा उस समय के ऑफर क्या चल रहे हैं। एक्टिवेशन ऑफर 100 पे 120, 135, 140, इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये यस 100 पे 145 हो सकता है। अगर एक नया व्यक्ति है, अगर एक पुराना व्यक्ति है तो 100 पे हो सकता है 155, 165, 165 भी हो सकता है, क्योंकि ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं। और अगर अभी का ऑफर देखिए तो किसी किसी प्रोडक्ट पे 100 पे 155+20, 175+ मिनी स्टॉक 185, और पे आउट अगर आप देख लें तो जो पर्सनल वॉल्यूम होता है, अगर आपके इनर लेग में आप डालेंगे तो आपकी 2 जगह मैचिंग आएगी, 5,000 वॉल्यूम पे यानी 10,000 रुपये पे आपको 1200 जाएंगे, विच इज 12% एक्स्ट्रा। कभी कभी कंपनी कुछ गिफ्ट भी देती है तो वो अलग से ऐड जाएंगे। तो जो लोग हैंडरेज कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हैंडरेज का मतलब है इतने लोगों के सवालों का जवाब मैं चैट बॉक्स में ही दे पाऊंगा। वेरी गुड। तो संदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं VLCC वेल साइंस जैसा कोई नहीं, ग्रेट। और जिन खोजा तिन पाइया, घर सागर पतीत, कंचन गुप्ता मैम ने लिखा है। तो कंचन गुप्ता मैम जी का जो अर्थ है वो थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, बट आई थिंक काफी अच्छा उन्होंने लिखा है। तो ये काफी जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं आज। इसके अलावा जो हमारे टाइटल्स हैं, ये जो टाइटल्स हैं हमारे, ये पहले 31 दिसंबर तक थे, फिर मार्च तक हुए, फिर सितंबर तक हुए, और जिस तरीके से आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो कंपनी इसको अपने प्लान का हिस्सा बना सकती है। कंपनी का मकसद है आपकी ग्रोथ, और ये बहुत ही ज्यादा फिक्स रिवॉर्ड है, वन इन लाइफ टाइम नहीं है। जय VLCC तय VLCC, डॉक्टर सतीश जी ने लिखा है। और आप, मैं चाहता हूँ आप एक चीज और लिखे, घर घर VLCC हर घर VLCC। तो मैं देखता हूँ कितने लोग लिख पाते हैं घर घर VLCC एंड हर घर VLCC, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कैसे आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग में सुभाष सेमल्टी जी, देवेंद्र राठौर जी एंड संगीता शर्मा जी, मीना कठैत जी, नुपुर देवनाथ मैम, मोहन लाल सैनी जी, पूजा तोमर मैम, मधु चतुर्वेदी जी, और इतने सारे नाम आ गए हैं। अब तो मुझे लगता है सोनू सूद वाला मोबाइल हो गया। सोनू सूद जी दिखाते हैं अपना मोबाइल कि उनके मोबाइल में कितने लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए,
वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे ही हो गया है कि इकट्ठे 70-80 चैट एकदम से आ गई है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है? यस। क्या वीएलसीसी वेल्थ साइंस में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लीडर है, ये लीडर गुमराह करते हैं, इन कंपनी के लीडर गुमराह करते हैं हमारे लीडर्स को कि हमारे प्लान में तो, आपके प्लान में तो 25,00,000-20,000 की कैपिंग है। दोस्तों हमारे प्लान में 25,00,000-20,000 की कैपिंग नहीं है, वो हमारी एक इनकम की कैपिंग है, उसके अलावा नो इनकम और है। और अगर अगर हमारे प्लान में कोई 14 लाख खोल दे, हमारे प्लान में कोई 14 लाख खोल दे, तो आप समझ सकते हैं 13 × 8 उसकी कैपिंग, उसकी तो कैपिंग ही नहीं है जो इतनी सारी लैक खोल सकता है। यस। तो हालांकि देखिए हमें इस पर नहीं पढ़ना, हमें इस पर नहीं पढ़ना, क्योंकि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपनी मजबूती पे बात करते हैं, वो दूसरों की वीकनेस पे बात नहीं करते, वो अपनी स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपको बताना चाहे तो आप उसका प्लान जरूर उसका प्लान समझें और फिर उसको जवाब दें। 1 करोड़ की मैचिंग अगर आप करेंगे तो आपकी इनकम 8 से 10 लाख रुपये हो सकती है, 7 से 10-12 लाख रुपये हो सकती है एक सिंगल बिजनेस सेंटर पे, 3 बिजनेस सेंटर पे हो सकती है 16 से 20 लाख। 10 करोड़ पे 80 लाख से 1 करोड़ रुपए, 3 बिजनेस सेंटर पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की मैचिंग पे आपकी इनकम हो सकती है 8-10 करोड़ रुपए। यस, 8-10 करोड़ रुपए हो सकती है, 16 से 20 करोड़ हो सकती है, करोड़ों कमाए जा सकते हैं बशर्ते आप वॉल्यूम करें, बशर्ते आप बिजनेस करें। तो ये है वीएलसीसी, बड़ा सोचिए, बड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा समझिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इतने सारे लोग अगर हैंड रेज करेंगे तो क्योंकि अगर हम हर एक व्यक्ति को मौका देते रहेंगे बोलने का तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नए एसोसिएट के लिए जो हमारा प्लान है उसमें अगर हमने बात की थी अभी आपसे, और हमारे प्लान की खूबसूरती क्या है कि एक आदमी अगर रिटेलिंग कर रहा है, एक आदमी अगर कहता है मैं रिटेलिंग करता हूँ, मैं नेटवर्क नहीं बना सकता, यस, तो आपने देखा कि हमने जो पीछे बात की थी, तो वो व्यक्ति भी अगर 1.5-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच दे, उसकी 50-70 हज़ार रुपए की इनकम हो सकती है इजली, उसकी 50 से लेकर 70 हज़ार रुपए की इनकम आराम से हो सकती है। तो शुरुआत में पैसा बहुत अच्छा है, 4 ग्रुप में अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी जाती है। 4 ग्रुप में अगर आप बिल्ड करते हैं बिजनेस, 50,000, 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 18% से 20% सेल्स वॉल्यूम के ऊपर नेट, विच इज वेरी हैंडसम इनकम है। और अगर तो ये बहुत और ये शुरुआती लेवल पे, बड़े लेवल पे ये और बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, अपने बिजनेस को समझना है। आपकी जो मेंटोर है, आपकी जो अपलाइन प्रेजिडेंट डायमंड है, आपकी जो अपलाइन डायमंड है, आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो मीटिंग्स में आती है, ट्रेनिंग्स में आती है, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। मैं जब भी बात करता हूँ अपलाइन की, तो मैं उन अपलाइन की बात करता हूँ जो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आपको रोज दिखते हैं या ज़्यादातर दिखते हैं, यस, ज़्यादातर दिखते हैं। और जो आपके अपलाइन क्राउन डायमंड है, आपके जो अपलाइन प्रेसिडेंट डायमंड है, आपके अपलाइन जो डायमंड है, अगर वो अगर अपलाइन एमरल्ड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डायमंड को पकड़ लीजिए, डायमंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट डायमंड को पकड़ लीजिए, प्रेसिडेंट डायमंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्राउन डायमंड को पकड़ लीजिए, क्राउन डायमंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मुझे पकड़ लीजिए, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कंपनी को पकड़ लीजिए, यस। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने आपके हैं, आपको हासिल करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जो कंपनियां होती है, जो मल्टी लेवल कंपनी होती है, उन पे एक शब्द होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है उनका लेवल माइनस आपका लेवल। अगर उनका लेवल है 12%, आपका लेवल है 6%, तो उनको इनकम मिलती है 12 - 6, केवल 6%। यहाँ पे सेम बिजनेस पे, सेम 2 लाख वॉल्यूम पे इनकम आ रही थी 36,000 प्लस बहुत कुछ, और यहाँ पे आएगी उतने ही काम पे 12,000 रुपये। 12,000 रुपये प्लस 36,000 रुपये, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। प्लान को समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाइए। महिलाओं को प्लान समझने में थोड़ा दिक्कतें होती है, पुरुषों की नजदीकी नजर थोड़ा कमजोर होती है, लेकिन समझा जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल है चीजों को समझना। मैं नई चीजों को समझने में बहुत समय लगाता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए बार बार मेहनत करता हूँ। और जब मैं बार बार मेहनत करता हूँ, तो वो चीजें मेरे लिए ऐसी आती हैं कि मैं ये जो ट्रेनिंग है ये मैं तब भी, अगर आप मुझको नींद से भी उठाएं, यस, अगर आप मुझको नींद से भी उठाएं, या भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मैं हैंगओवर में हूँ और तब भी मुझे प्लान दिखाना हो, तो भी मैं ये प्लान एज इट इज दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो ये आप कर सकते हैं। और तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो प्लान है, जो आप मैच करते हैं वो मिल जाता है, जो मैच नहीं करते वो कैरी फॉरवर्ड जाता है। कितनी बड़ी बात है।
यानी कि जैसे ये आप है, ये भी आप है, ये भी आप है, इधर आया 2.5 लाख, इधर आया 2.5 लाख, इधर आया 2.5 लाख, इधर आया 2.5 लाख, इस आईडी पे 84,000, इस आईडी पे 84,000 आएगा, इस आईडी पे 42,000, इस आईडी पे 42,000। डेवलपमेंट बोनस 12,000, कार बोनस 44,000, हाउस बोनस 44,000। आपकी इनकम हो जाएगी 10 लाख वॉल्यूम पे 2,68,000 प्लस फर्स्ट ऑर्डर बोनस प्लस रिवॉर्ड। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 20,000 का रिवॉर्ड यहाँ पे और आ जाएगा। तो 10 लाख वॉल्यूम पे, 10 लाख वॉल्यूम पे 3 लाख रुपए आ सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ 10 लाख वॉल्यूम पे अगर 2 लाख भी आते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा वाला अरे वाह मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लाख वॉल्यूम पे 25% पैसा बिजनेस वॉल्यूम पे आने का मतलब है 12.5% नेट रुपए के ऊपर 12.5% प्लस रिवॉर्ड प्लस फर्स्ट ऑर्डर बोनस प्लस ट्रिप्स प्लस गिफ्ट। तो एक बड़े वाला अरे वाह देवेंद्र राठौर जी की तरफ से, और देवेंद्र राठौर जी की तरफ से राकेश समोला जी, कविता जी, पराग जी की तरफ से, सुशील कुमार ठाकुर जी, आरती खंडूरी रियाल जी, मोनिका रावत जी, सुनील कुमार जी, रूमा दास जी, मीनाक्षी, मीना कठैत जी, पिंकी शर्मा जी, मोहनलाल सैनी जी, राजीव रंजन पाठक जी, नीतू चौधरी जी, 3 और मैं पढ़ पाऊंगा, संजीव बोरा जी, गीता शर्मा जी, प्रेमशिला गुप्ता जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्लान में अगर आपने, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड तो हो ही जाएगा टीम बोनस के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो लगता है, कुछ लोग कहते हैं मल्टी लेग कंपनियाँ अच्छी होती हैं, 2 लेग वाली कंपनियाँ बेकार होती हैं। देखिए हर 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 चीज़ के अपने फीचर हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ 2 लेग के प्लान में, VLCC के प्लान में जितनी गहराई में जाएंगे इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल लेग खोलनी पड़ेंगी जिनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड केवल ओहदे के लिए, टाइटल के लिए, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पे आउट के लिए भी है। डिफरेंशियल है इनकम, सेम लेवल पे इनकम जीरो जाती है, आपको अदर इनकम आएंगी, कोई साइड वॉल्यूम नहीं करना होता। VLCC वेल साइंस में आपका चेक अगर 15 लाख भी आ रहा है तो आपको 1500 सेल्स वॉल्यूम ही करने हैं, बट यहाँ पे साइड वॉल्यूम टारगेट भी है, लेग मेंटेनेंस भी है, यहाँ पे स्टेबल होना आसान है, यहाँ पे स्टेबल होना आसान है। पराग बाली जी ने एक पराग बाली जी को नीचे डेवलप किया, एक पराग बाली जी को राइट में डेवलप किया, स्टेबिलिटी आ गई। बट इन कंपनीज में 2 लेग 16 लेग बिल्ड करने के बाद भी साइड वॉल्यूम चाहिए, यस। तो बट स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति बड़ा पैसा कमा सकता है अगर वो थोड़ा सा फोकस सही रखे तो। बट यहाँ पे वाला व्यक्ति यहाँ पे तो तहलका मचा सकता है। तो ये देखिए आप, यहाँ हुए इतने पॉइंट, यहाँ हुए इतने पॉइंट, जो जो मैच हुआ वो आ गया, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस प्लान में देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सारी लैग, जिस लैग, ये लैग बहुत मजबूत है, इस लैग में देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, इस लैग में हो रहा है बड़ा काम। आप हैं 19% पे, ये लेग है 16% पे, बड़ा बिजनेस हुआ पैसा आएगा केवल 3%, छोटा सा पैसा, बड़ा वॉल्यूम छोटा पैसा, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे छोटा वॉल्यूम बड़ा पैसा, लेकिन छोटे वॉल्यूम पे बड़ा पैसा कितना आएगा आप समझ सकते हैं। तो ये प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंशियल डायन खाए जाता है। तो ये डिफरेंशियल जो पैसा है ये आपको खत्म कर देता है। 2004 से लेके 2008 तक जो मेरी पहली कंपनी थी, मैं उसको लेके बहुत थैंकफुल हूँ, और विद रिस्पेक्ट, उस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा, उस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और कई बार देखिए मैं क्या सोचता हूँ, मैं आज भी क्या सोचता हूँ, मैं आज भी ये सोचता हूँ कि काश काश मैं VLCC वेल्थ साइंस जैसी सफलता मेरी जो पहली कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर उसमें ले पाता। देखिए जो पहली कंपनी होती है आपकी, आपकी जो पहली कंपनी होती है वो आपका पहला प्यार होता है, और आपकी आपकी भावनाएं उससे जुड़ी होती है। बट और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि VLCC वेल्थ साइंस का हिस्सा आप हैं, और मुझे इसका मुझे VLCC के साथ काम करने के लिए मुझे VLCC वेल्थ साइंस के साथ काम करने के लिए 14 वर्षों का वनवास, जैसे भगवान श्री राम को हुआ था वो 14 वर्षों का वनवास मुझे भोगना पड़ा था। बहुत लकी है कि अगर आपकी ये पहली कंपनी है, अगर आपको ये दूसरे साल में मिल गई, तीसरे साल में मिल गई, पाँचवें साल में मिल गई, दसवें साल में मिल गई, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं स्किल्ड नहीं था, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं थे, यस। VLCC वेल्थ साइंस जैसी मेरी ज़िंदगी में आई, मैं 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था उसमें, और 60-70 हज़ार रुपये से मुझे 4 लाख रुपये पे पहुँचने में बहुत टाइम नहीं लगा। स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको कंपनी के बेसिक प्रोसीजर सीखने पड़ेंगे, आपको अपने अपलाइन क्राउन डायमंड, अपने अपलाइन क्राउन डायमंड, अपलाइन प्रेसिडेंट डायमंड के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो नहीं है, वो नहीं फॉलो कर पा रहे, वो नहीं डुप्लीकेट कर पा रहे, तो आप उनकी एलओएस में कौन है,
उनकी एलओएस में कौन है, कंपनी में कौन है, यस। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और थैंकफुल रहिए उस व्यक्ति का जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, भले वो इस बिजनेस में है या नहीं, थैंकफुल रहिए उस कंपनी का जिसकी वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। तो ये डबल इनकम प्लान था जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ पे ज्वाइनिंग का प्लान अलग होता है, रिपर्चेज का अलग होता है। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भी मैटर करती है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कैसे लोग हैं, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कैसे लोग हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई कई लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुके हैं पास्ट में, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है आपके ऊपर। और कुछ कंपनी, कुछ लोग, कुछ नेटवर्कर का जो होता है वो कंपनी शिफ्ट करने का रहता है, ये कंपनी शिफ्ट कर ली, ये कंपनी शिफ्ट कर ली, ये कंपनी शिफ्ट कर ली। तो अगर आप जल्दी जल्दी कंपनियां बदलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत सारी कंपनियां करती हैं, बहुत सारी लीडरशिप में अनएथिकल प्रैक्टिस चलती रहती है। तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप सही लोगों के साथ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी है, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर रिस्पेक्ट, ज्ञान से शक्ति मिलेगी लेकिन करेक्टर से आपको मिलेगा आदर, करेक्टर से आपको मिलेगा रेस्पेक्ट। तो करेक्टर पे काम कीजिए, करेक्टर पे काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ आइए, यस अच्छे लोगों के साथ आइए। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड मैं अगर आपको कहूँ तो हिंदुस्तान लीवर के 4 साल मेरे करियर के रहे, उसके बाद वेल साइंस मेरी ज़िंदगी में 2009 में आई, और 2009 से लेकर 2017 8 साल वेल साइंस के रहे। और मुझे लगता है कि उन आठ सालों में कठिन समय में आप सीखते जाते हैं, मतलब मेरी ग्रोथ हो सकता है बहुत अच्छी ना रही हो, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब VLC मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं एवरेज 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा था। जब VLC मेरी ज़िंदगी में आई, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बहुत पहले से थे तो आपको उसका फ़ायदा मिला, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत लंबी असफलता देखते हैं, जब आप एक बहुत लंबे समय में काम करने पर ग्रोथ नहीं ले पाते, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस फेलर को अपने सिर पर देते हैं और फिर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। जब आप एक लंबा समय बिता देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना एक्साइटमेंट खो देते हैं। और जो मैं हमेशा बात करता हूँ ईगल्स की एक समय के बाद ईगल की जो चोंच होती है वो ऐसे हो जाती है, यस उसे खाना खाने में बहुत सारे चैलेंज आते हैं उसको, वो खाना खाने में उसकी चोंच ऐसी हो जाती है, उसको खाना निगलने में बहुत दिक्कत आती है, उसके पंख इतने भारी रहते हैं कि उसके सीने में चिपक जाते हैं, तो उसको लंबी उड़ान कर लेने में उसके पंख बाधक हो जाते हैं, उसके पंजे इतने लचीले जाते हैं कि वो शिकार को नहीं पकड़ पाता, वो शिकार को पकड़ नहीं पाता है। तो 3 ऑप्शन आते हैं ईगल की लाइफ में। ऑप्शन नंबर वन ईगल का जो आता है, कि वो अपने आप को डेथ कर दे, अपने आप को डेथ कर दें। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी में काम करते करते वो कंपनी ही छोड़ देते हैं। अगर उस कंपनी में चीज़ें बदल नहीं रही हैं, अगर उस कंपनी में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको छोड़ना चाहिए। बट आपको देखना है, नंबर टू आप देखते हैं कुछ ईगल्स क्या करते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो गिद्ध की तरह दूसरे के मारे हुए भोजन पे आश्रित हो जाएंगे। सेकंड, कि वो ईगल की तरह नहीं जिएंगे, वो एक गिद्ध की तरह जिएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि वो अपने आप को एक गुफा में बंद करें, 150 से लेके 180 दिन के लिए वो अपने आप को एक गुफा में बंद करें। और जब एक ईगल अपने आप को एक गुफा में बंद करता है जहाँ से मालूम होता कोई नहीं आएगा, बहुत ऊंचाई पे, तो सबसे पहला काम वो अपनी चोंच को पत्थर पे मार के बहुत पेनफुल होता है एक ईगल के लिए, क्योंकि किसी चोंच उसके लिए बहुत प्रिय होती है। बट वो अपनी चोंच को तोड़ता है, उसका पूरा मुंह लहूलुहान जाता है, बहुत दर्द उसको झेलना पड़ता है, यस। और वो उस दर्द को झेलता है अगले 40-50-60 दिन जब तक उसकी नई चोंच ना आए। उसके बाद वो क्या करता है, उसके पंजों को पूरे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके पूरे पंजे लहूलुहान हो जाते हैं, और फिर 50-60 दिन के बाद उसके नए पंजे आते हैं। और उसके बाद वो अपने पूरे पंखों को तोड़ देता है, उसके पंख, एक चिड़िया को अपने पंख बहुत पसंद होते हैं, वो अपने पंखों को तोड़ देता है, और फिर 150 से 180 दिन के बाद उसके पास एक नई चोंच होती है, उसके पास नए पंख होते हैं, उसके पास नए नाखून होते हैं।
जब वीएलसीसी मेरी जिंदगी में आया तो देखिए दो चॉइस थी, एक चॉइस हो सकती थी कि मैं ये कहूँ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 14 साल हो गए हैं और बहुत बड़ी सफलता मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से नहीं देख पाया। हालांकि ऐसा भी रहा था कि बीच में मेरे पेड़ बहुत अच्छे भी आए थे। एक चॉइस थी कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ, एक चॉइस थी कि यस मुझे नई स्किल्स डेवलप करनी है, मुझे नई जुनून से के साथ काम करना है, मुझे रिबर्थ करना है। और ईगल 40 साल की उम्र में रिबर्थ करता है और 70 साल तक फिर वो एक नई चोंच, नए पंजे और नए पंखों के साथ उड़ता है। पास्ट से केवल और केवल लर्निंग लेके आनी है, इमोशंस नहीं लेके आने। पास्ट से आपका जो पास्ट है, आपका जो भूतकाल है, उससे केवल सीख लेके आइए, उससे केवल लेसन लेके आइए, उससे भावनाएं मत लेके आइए कि मैंने उस कंपनी में काम किया था, फेल हो गया, 14 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लास्ट 14 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। आपको ये सब कुछ छोड़ दीजिए नई लर्निंग के साथ। देखिए ये ईंटे, ये हैं आपकी फेलर्स। अब एक तो ये है कि आप इसको सिर पर रख दें और आप ऐसे दबके चलें, एक है कि आप इनको अपनी सीढ़ी बनाएं, ये मेरी पहली सीढ़ी है, ये मेरी दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी, ये पांचवी सीढ़ी। तो चॉइस आपकी है कि फेलर को आप अपनी असफलता को बोझ बनाने वाले हैं या सीढ़ियां बनाने वाले हैं। चैट बॉक्स में मुझे आपका आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में क्या है आपका आंसर, आप अपने फेलर को क्या बनाने वाले हैं, सीढ़ी या बोझ। आंसर है सीढ़ी या बोझ, एंड डेफिनेटली मुझे आंसर मिला है इसमें। देवेंद्र राठौड़ सीढ़िया, पराग जी लिखते हैं प्रैक्टिस मेक्स अप मैन परफेक्ट, राजीव रंजन पाठक सीढ़िया, प्रेम शिला जी सीढ़िया, सुभाष समल्टी जी सीढ़िया, आसानी की जी सीढ़िया, नुपुर देवदास जी सीढ़िया, एंड राकेश समोला जी, संदीप उपाध्याय जी, गोपाल रावल जी, शीला चक्रवर्ती जी, जितेंद्र गुप्ता जी, मधु चतुर्वेदी जी, ज्योति पटवाल जी, नरेश शेमवाल जी, नीतू चौधरी जी, कविता जी, एंड मोनिका रावत, मोहनलाल सैनी, तीन नाम और पढ़ूंगा, मीना कटिया जी, अतुल कुमार शर्मा जी एंड योगी दाना जी। सीढ़ियां बहुत जरूरी है, रोज एक नई रिबर्थ लेने की जरूरत है, रोज एक नई रिबर्थ लेनी है हमें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो समय है वो बहुत लिमिटेड है, अब हमारे पास केवल और केवल 4-5 मिनट और बचे हैं, तो मैं 4-5 मिनट में इसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी कंपनी है, उनका रिटेलिंग का मॉडल है, वो कहते हैं अभी आप ये करो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, ऊपर जाओगे 50%, ऊपर जाओगे 60%। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, लोगों का फोकस नहीं होता लीडरशिप बिल्ड करने का, वो टीम को सिखाने में फोकस नहीं होता, उनको लगता है मैं अपनी आईडी पे 1 लाख का माल बेचूं 40,000 रुपए कमा लूं। लेकिन रिटेल मॉडल में यू सेल मोर अर्न मोर, हाई लेवल हाई रिटेल, लेसर अर्निंग फ्रॉम टीम। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो टीम पे फोकस ना करके अपनी पर्सनल सेलिंग बढ़ाएं। लेकिन आपको मालूम चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको लोग बनाने पड़ेंगे। मंथली लैब सेशंस रहता है कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनी कंसेप्ट सेलिंग में काम करती है, एक 300 रुपए का प्रोडक्ट 3,000 में बेचना है, 300 रुपए का प्रोडक्ट 3,000 में बेचना है, एक सूट लेंथ को बेचना है 7,000 में, कंसेप्ट सेलिंग। यस, कुछ कम वीएलसीसी के पास जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट हैं, हम उनको बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। कुछ कंपनी को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलानी है, वो देखते हैं सस्ता प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा जिसको महंगा बेच सकें। तो ये बहुत जरूरी है। और तो अभी अगर हम बात करें रिवॉर्ड, अगर हम देखें वीएलसीसी वेल्थ साइंस में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट है। ट्रिप्स का जो क्राइटेरिया है, मुझे लगता है आप किसी भी कंपनी का ट्रिप का क्राइटेरिया देख लीजिए। मैं कंपनी का देख रहा था क्राइटेरिया कि आप लेफ्ट में कीजिए, राइट में कीजिए, अगर आपकी टीम में कोई क्वालिफाई हो गया उसका बिजनेस आप में नहीं जुड़ेगा। आपको 6 लेग में ये वॉल्यूम करना है और उन 6 लेग में अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया उसका वॉल्यूम आप में नहीं जुड़ेगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पे 2 लेग की क्वालिफिकेशन है और कोई 50,000 वॉल्यूम स्पॉन्सर कर ले तो ही मिल जाता है। ये कैसा लग रहा है आपको, ये आदमी फटाफट से चैट बॉक्स में भेजिए इस व्यक्ति के लिए कोई एक नाम। डाकू, थैंक यू कंचन मैम। सुभाष सेमल्टी जी, बेकार थका हुआ। मोनिका रावत जी, रॉबर लुटेरा चोर, गब्बर सिंह रॉबर चोर, रॉबर्ट्स लुटेरा, रॉबर्ट्स थीप चोर लुटेरा, बहुत सारे कठिन कठिन शब्द आ गए। ओके, तो देखिए जिंदगी में जब हम सवाल गलत पूछते हैं तो आपको गलत जवाब आते हैं। जैसे जब मैं आपके जवाब सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। यस, हालांकि आपने भेजा इसके लिए,
जिंदगी में सही सवाल जरूर पूछिए। अगर आप पूछेंगे मैं वीएलसी वेल्थ साइंस में कामयाब क्यों नहीं हो सकता, तो आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे, आप वीएलसी वेल्थ साइंस में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो हमेशा चेंज योर क्वेश्चन एंड चेंज योर लाइफ, अपने सवाल बदलिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो डिफरेंशियल प्लान में डिफरेंशियल होना, महीने का वॉल्यूम लैप्स हो जाना, खूब सारी परचेजिंग अपनी आईडी पे करने की कंडीशन, यस अपलाइन के द्वारा अगर किसी कोई स्पॉन्सर हुआ है उसकी रिपर्चेज आप में ना जुड़ना, बहुत सारे टारगेट्स हैं, कंपनी प्लान वगैरह चेंज करना, ओवर प्राइस प्रोडक्ट, ये सब आपका कीमती पैसा आपसे छीन लेती है। कुछ कंपनी कहती है हमारा बिजनेस वॉल्यूम 100% है, बट 100% आपका बिजनेस वॉल्यूम है, पहली बात तो 100% होता नहीं है, 80-90% होता है। उसका आपने कितना परसेंट पैसा बांटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीज महत्वपूर्ण है, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, कितना पैसा बढ़ रहा है। जो लोग वीडियो में है उनके साथ मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट है हमारे पास, तो जो लोग वीडियो में है उनके साथ मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है, कितना कितना सेल्स वॉल्यूम है और कितना पैसा बांटा, ऐसे उंगली कीजिए, दो उंगली कीजिए, कितना सेल्स वॉल्यूम, कितना सेल्स वॉल्यूम, कितना पैसा बांटा, कितना सेल्स वॉल्यूम, कितना पैसा बांटा। एक कंपनी कहती है मैं 100% वॉल्यूम देती हूँ, 100 नहीं होगा 90 होगा क्योंकि 10% जीएसटी है। एक कंपनी कहती है मैं 100% वॉल्यूम बांटती हूँ, 90% वॉल्यूम दिया, कितने प्रोडक्ट पे दिया ये मैटर करता है, कितने प्रोडक्ट पे दिया 90% वॉल्यूम, पैसा बांटा 30%, तो पे आउट बटा 27, पे आउट कितना बटा 27, 90% का 30% पैसा बटा 27%। एक कंपनी कहती है मेरा बिजनेस वॉल्यूम है 50%, पे आउट बट रहा है 90+10 रिवॉर्ड 100, पैसा कितना बटा 50%। तो 50% ज्यादा है, दो चीजों पे ध्यान रखना है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, पैसा कितना बढ़ रहा है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, पैसा कितना बढ़ रहा है, अगेन सेल्स वॉल्यूम कितना है, पैसा कितना बढ़ रहा है। तो वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वीएलसीसी, ओके, वी फॉर वीएलसीसी एंड वी फॉर विक्ट्री, एंड थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, और तो ये मैं यही समझाना चाहता था मैं आपको, ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर में क्या है, इतना सा पे आउट लेने के लिए इतनी सारी कंडीशन, इतना सा पे आउट लेने के लिए 6 लाख बिल्ड करो, साइड में इतना वॉल्यूम करो, डिफरेंशियल मेंटेन करो, ये करो ये करो ये करो, बेचारे नेटवर्कर का क्या हाल हो जाएगा। यस, एक लाइन मत लिखिए इसके ऊपर, क्योंकि मैंने चाहता कि मैं कोई और नेगेटिव लाइन सुनूं आपसे, बट वीएलसीसी वेल्थ साइंस में 1000 सेल्स वॉल्यूम और 500 सेल्स वॉल्यूम और 1500 सेल्स वॉल्यूम के अलावा कोई कंडीशन नहीं है, केवल मैच कीजिए, जो मैच नहीं हो रहा वो कैरी फॉरवर्ड है। तो ये बहुत बढ़िया है, और हम बढ़ते हैं आगे। तो अपने बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी लीजिए, और अब मैं अगले तीन मिनट में आपसे शेयर करूंगा कि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से मिलें, जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग से बात लीडर से बात करें, तो आपको किन किन चीज़ों का रखना है ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो में आपको आना है, और वीडियो में आपको खुद को कहना है ऐसे करके उंगली कीजिए, ये बात ध्यान में रखनी है, फिर से ये बात ध्यान में रखनी है, विद्यानंद जी आपको भी करना है ये बात ध्यान में रखनी है। यस, डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखनी है जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं, अपने दुश्मन नहीं बनाने हैं आपको, डोंट आर्ग्यू। जब भी आप किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर से मिलें तो उससे आर्ग्यू ना करें, स्टैटिक्स की बात करें कि देखिए मैं वीएलसीसी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिजनेस वॉल्यूम का 90% पैसा बांटती है, 10% पैसा रिवॉर्ड में बांटती है। स्टैटिक्स की बात कीजिए, मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है ये नहीं, मेरी कंपनी इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये इस कंपनी में ये यूएसपी है, एम टेक्नोलॉजी है। तो स्टैटिक्स की बात कीजिए, डोंट गो पर्सनल, कभी मत कहीं किसी को पर्सनल मत बोलिए, कभी भी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ की बात कीजिए, अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कीजिए। तुम तो बेवकूफ हो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने किसी को ये बोल दिया तो वीएलसीसी जरूर ज्वाइन करेगा लेकिन आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। तो डोंट गो पर्सनल, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ की बात कीजिए, 2 लाख का प्लान, कैरी फॉरवर्ड, फिक्स इनकम, बी अ बालकनी गेस्ट। अगर कोई दूसरी कंपनी का आदमी मेहनत कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, मतलब सोशल मीडिया में नहीं, आपको 1-to-1 उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कई बार जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो उसकी पोस्ट आपकी डाउनलाइन में चली जाती है, जो आपके बिजनेस के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं रहती। रेस्पेक्ट देयर स्ट्रेंथ, अगर किसी कंपनी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है आपको तो बोलिए मुझे आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये बहुत जरूरी है, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ भी साथ में रखनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को भी रखना है साथ में। Speak less but with strong on strength.
जब भी आप बोलें कम बोलें, लेकिन यूएसपी के बारे में बात करें, यूएसपी के बारे में बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया बढ़िया है, ये बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है उस पर बात कीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब भी आप उनकी कोई कमी बता रहे हैं उस कंपनी की, तो स्टार्टिंग में अप्रिशिएशन से स्टार्ट कीजिए। जैसे आप किसी कंपनी के लीडर से बात कर रहे हैं जिसकी कंपनी का कोई भविष्य ही नहीं है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बढ़िया नहीं है, बिजनेस प्लान बढ़िया नहीं है, कंपनी का जो फाउंडर है उसे कोई जानता तक नहीं है, तो आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। गोपाल रावल जी, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। गोपाल रावल जी, मुझे जो पैशन है आपका वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और डोंट क्रिटिसाइज डायरेक्टली, फील फेल्ट फाउंड आप सभी जानते हैं। फील शुरुआत में हम बात करते हैं, फील का मतलब होता है यस, मैं समझ सकता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है। सामने वाले ने कहा, मैंने तो ये देखा है कि जिन कंपनी की प्रोफाइल बड़ी होती है वो कामयाबी नहीं होती। मैं तो छोटी छोटी कंपनियों में काम करता हूँ, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, बड़ी कंपनी में ना तो कोई सुनता है और बड़ी कंपनी में ग्रोथ भी नहीं होती। यस, बिल्कुल बिल्कुल सुशील ठाकुर जी, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सुशील ठाकुर जी, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नंबर वन, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि बड़ी कंपनियां कहाँ सुनती हैं। लेकिन जब मैं VLCC वेल साइंस में आया, एक इतनी बड़ी कंपनी, तो मैंने देखा उस कंपनी की जो जनरल मैनेजर हैं वो रोज 3 बजे मीटिंग करती हैं, उस कंपनी के जो दूसरे जनरल मैनेजर हैं दोनों से बात करना कितना आसान है। कंपनी हर महीने जो 25,000 वॉल्यूम मैच करता है उसके साथ भी न्यू लीडरशिप काउंसिल मीटिंग करती है। और फिर मैंने देखा कि अगर एक इतनी बड़ी कंपनी, अगर एक इतनी कामयाब कंपनी, अगर एक कामयाब कंपनी 100% पैसा बिजनेस वॉल्यूम में बांटने के लिए तैयार है, अगर एक इतनी कामयाब कंपनी बहुत सही प्राइस से प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, तो कितना बढ़िया हो। और मुझे ये भी लगा सुशील ठाकुर जी कि राजपाल यादव जी के लिए 500 लोग इकट्ठे करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए 50,000 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। और फिर जब मुझे लगा जब लटकना ही है तो क्यों ना एक मजबूत टहनी में लटका जाए, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, फील फेल्ट फाउंड। और नंबर एक्सचेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत बहस हो रही है, हमारी बहस हो गई है, दोनों ने बाजू खड़े कर दिए और अब लड़ाई होने वाली है, तो आप उनको बोलिए, आप देखो हमें बहस नहीं जीतनी। आप बोले थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगा और मैं सल्यूट करता हूँ जो आपका पैसन है आपकी कंपनी को लेके। ये मेरा नंबर है, आप भी मेरा नंबर दे दीजिए, हम लोग संपर्क में रहेंगे। यस, तो ये नंबर एक्सचेंज कीजिए, डाटाबेस बिल्ड कीजिए, दुश्मन मत बनाइए, दोस्त बनाइए, लेकिन जब भी किसी को छोड़ें तो एक मजबूत इम्पैक्ट के साथ छोड़ें। जब आप किसी को VLCC को लेके किसी को छोड़ें तो उसे मदद पता चल जाएगी, नहीं यार ये कंपनी बहुत बड़ी है। यस, कभी किसी को मत बोले कि तुमने गलतियाँ की, उनकी काबिलियत की तारीफ कीजिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक आदमी अगर एक्टिवेट नहीं कर रहा, कम से एक्टिवेट नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन तो करा दीजिए। हो सकता है 5-7 दिन बाद आप उसको बोलेंगे, सर अपना आईडी पासवर्ड चेक करो, 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपकी टीम के अंदर। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब आप अपने साथ लॉगिन कर रहे हैं तो उसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, उसकी KYC होनी बहुत जरूरी है। यस, जब तक आप ये काम नहीं करते वो कहीं भी शुरू कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के लॉ के मुताबिक अगर एक व्यक्ति ने किसी भी कंपनी में अपनी आईडी लगाई है तो वो अगले 2 साल तक उसी कंपनी में कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी आईडी उनसे एक्टिवेट करा पाएँ, उनके थ्रू एक्टिवेट करा पाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी KYC अगर आप करा पाए तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आपने किसी की आईडी लगा भी दी है और अगर उसके बाद आपने टीम बनानी शुरू कर दी है, तो उसके पास चॉइस रहेगी कि वो आपकी टीम में आ सकता है। रेफरल मांग सकते हैं आप उससे कि देखो यार तुम तो ये कंपनी कर ही रहे हो, और तुम ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी में कभी काम नहीं करेंगे, क्या मुझे तुम कुछ लोगों का नंबर दे सकते हो। और कल के दिन हो सकता है कि जब आपने बोल सकते हो, देखो आपकी कंपनी में ये विटामिन C जिंक जैसा प्रोडक्ट नहीं है, आपकी कंपनी में ये रेस्पिलर जैसा प्रोडक्ट नहीं है, ये तो स्टार्ट करो, ये तो यूज़ करो, तो ये आप कर सकते हैं। और एक लीडर जो होता है वो हजारों भेड़ से ज़्यादा अच्छा होता है। और एक महापुरुष थे, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि मुझे उन हजार शेरों से डर नहीं है जिसका नेतृत्व एक भेड़ कर रही है, मुझे उन हजार भेड़ों से डर है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है। लीडर
बनना लीडर्स, कोई भी लीडर आपके साथ एकदम नहीं आएगा, लेकिन अगर उस लीडर का मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लीडर का मतलब नहीं है जो ज्ञान का भंडार है, लीडर का मतलब है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, लीडर का मतलब है जो जो जिसकी कोर वैल्यू स्ट्रांग है, जिसका करेक्टर स्ट्रांग है, जो ऑनेस्ट है, जिसकी एथिक्स स्ट्रांग है। मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सारे, अगर आपके 10 के 10 प्लान उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो दूसरी कंपनी में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एकदम ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ। यस, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज होना जरूरी है। मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है कि चलो आपने एक होम मीटिंग भी की, आप एक नए व्यक्ति से मिले, कोई नेटवर्कर भी है, कोई ब्यूटिशियन भी है, कोई डॉक्टर भी है, तो जब खूब सारी एक्टिविटी करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सारा आपने अपने आप को फोकस कर दिया नेटवर्करों के ऊपर, अजनबी लोगों के ऊपर, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं, वो अजनबी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। अजनबी लोग एकदम से ज्वाइन करने में कई बार नहीं आते लोग, और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज, कोई फूफा भी है, कोई ताया भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई कोई फ्रेंड्स भी है, कोई नेटवर्कर भी है। देखिए, और दूसरी बात क्या है कि हम्बल रहिए, हम्बल रहना बहुत जरूरी है, हम्बल रहिए, हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि देखिए, बदलाव एक सच है। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दें। हमेशा आपको, देखिए, हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए, और आपके सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और ये डेफिनेटली लेट हो चुका है। मैं 3 सवाल ले पाऊंगा आज आपके, और उन 3 सवाल को आपको देना होगा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देना होगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ, अगर हम देखें, हमारे साथ है पराग जी और कविता जी। तो पराग जी को हम लोग, पराग जी से हमें कमेंट जरूर लेंगे। पराग सर, आपका वेलकम है, और मैं चाहता हूं कि एक कमेंट जरूर करें आप आज के सेशन को लेके, और ओवरऑल एक लर्निंग जो आप देना चाहें। सर, जबरदस्त सेशन था, और स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन थी टीम को कि इस सेशन को कॉपी पेन लेके ही अटेंड करें, और मुझे बहुत खुशी है कि टीम फ्रीडम मल्टीप्लायर ने बहुत ध्यान से इस सेशन को देखा, और इससे हमें मदद मिलेगी कि हम एग्जैक्टली अपने इंडस्ट्री में कहाँ खड़े हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में। मेरा तो यही सर मानना है कि अगर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है और आप एक्साइटेड नहीं है, तो इसका मतलब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं रहे। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, इस इंडस्ट्री पे कब्जा करने की जरूरत है। हम सब मिलके इस पे मैक्सिमम शेयर अपना लेते हैं, और जितना बड़ा शेयर होगा उतना बड़ा हमारा लाइफ का अंदाज होगा जीने का, खूबसूरती के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पराग जी, और डेफिनेटली आज मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रीडम मल्टीप्लायर के बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर बने हुए हैं। उदिना नेगी जी भी हमारे साथ हैं, और उदिना नेगी जी से भी हम लोग एक लेसन जरूर लेंगे, क्योंकि उदिना नेगी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्कर हैं। और उदिना नेगी जी के बारे में अगर हम देखें, जैसे पराग जी के बारे में हम देखें, पराग जी ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, और वो इससे पहले 2 बड़ी कंपनीज में रह चुके हैं, तो उनके लिए तो डेफिनेटली सक्सेस लेना थोड़ा सा, हालांकि वो भी एक पार्ट टाइमर है, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा समय लगाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। उदिना नेगी जी ने एक नॉर्मल होम मेकर से लेके VLCC में एक सफलता लिखी है, तो उनसे भी हम लोग जरूर जानेंगे कि वो कोई एक लेसन हमारे साथ शेयर कर पाए। और गोपाल रावल जी हमारे साथ है, जो एज अ स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में आए थे, एक स्टूडेंट के रूप में इस इंडस्ट्री में आए थे, और ड्यूरिंग CA, और उन्होंने इस बिजनेस को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया, आज वो इस बिजनेस को बहुत मजबूती से कर पा रहे हैं। गोपाल जी, मैं चाहूंगा आपसे कि मैं आपका एक लेसन जरूर ले लूं। 3 सवाल हम लोग ले सकते हैं इस मीटिंग में, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक मैं गोपाल जी को, यहाँ पे एक सवाल है संजीव बोरा जी का कि जो कंपनी एक के साथ एक प्रोडक्ट देती है उनको कैसे टैकल करें, ये एक सवाल है। और अगर हम बात करें, जैसे देखिए 2 चीजें हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अगर ये प्रोडक्ट 470 का है, अगर हम इसी प्रोडक्ट की कीमत कर लें 800 रुपये, और इसको बाय 1 गेट 1 कर दें, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात कीजिए, प्रोडक्ट की एफिकेसी पे बात कीजिए, और कोई बड़ा ब्रांड कभी भी ये 1+1 की स्कीम नहीं देगा आपको। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संदीप उपाध्याय जी आंसर देना चाह रहे हैं। संदीप उपाध्याय जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। संदीप उपाध्याय जी हमारे एक
डायमंड डायरेक्टर है, मजबूत डायमंड डायरेक्टर है संदीप जी। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर जो वन प्लस वन जो कंपनी देती है ना सर, उनका क्या रहता है कि वो जैसे प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, एक तो उनका एमआरपी डबल होता है सर, दूसरा बात जो हमें जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है ना, क्योंकि हम लीडर्स को तो जो इनकम आती है वो बिजनेस वॉल्यूम से आती है, बिजनेस वॉल्यूम हाफ हो जाता है उसमें ना, तो बिजनेस वॉल्यूम हाफ होने की वजह से हमारा जो पे आउट है वो भी हाफ हो जाता है, क्योंकि मैंने काम किया है इस तरह की कंपनी में ना, वहां पे पे आउट ही नहीं बनता जितने मर्जी एफर्ट लगा लो। थैंक यू वेरी मच संजीव संदीप जी, और संदीप जी ने एक बहुत बढ़िया आंसर हमें दिया। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। और गौरव जी को हम लोग चाहेंगे अनम्यूट करना। तो एक सवाल आ गया, दो सवाल और बाकी हैं। और हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गौरव जी, मैं आज के जो सेशन था, कोई कोई लर्निंग आप शेयर करना चाहें सभी लोगों से? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे, जैसे आपने अभी बताया था कि एक तो हमें जो है किसी से भी अपने जो है संबंध खराब करने, मतलब जो भी है किसी को भी उसकी कंपनी को बुरा नहीं बोलना है, और हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। और जितने भी आपने जो आज ब्रीफ जो है हर स्लाइड का जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे मुझे लगता है, और मुझे बहुत सारी चीजें जो जो मुझे कंफ्यूजन था, या मेरी टीम में जो जितने लोगों का कंफ्यूजन रहा होगा वो जरूर के दूर हुए होंगे, क्योंकि वन बाय वन आपने हर इनकम को बहुत अच्छे से एलोबरेट करके किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन मैं अपनी टीम में ताकि वो क्लैरिटी दे। बिल्कुल सर। और मैं ये जो सेशन है हमारा, ये हमारा यूट्यूब में, ये जो सेशन है हमारा ये यूट्यूब में हमारा लाइव हो जाएगा, और ये सेशन हम लोग लाइव करेंगे यूट्यूब में कल 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 हम लोग इसको लाइव करेंगे 11:30 बजे। तो कल 11:30 बजे आपका लिंक है, आप अपनी पूरी टीम को पहुँचाएं और इस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं, इसको बार 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 देखें डायरी पेन से, ताकि आप इस सेशन को अपनी टीम में कर सकें। गोपाल रावल जी से भी हम चाहेंगे आज के सेशन को लेकर जो लर्निंग रही है, और गोपाल जी को शेयर करना चाहें। सर डेफिनेटली आपने मुझसे शेयर करने के लिए बात करी है, और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, जितना मोटिवेशन जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है नॉलेज। और आज काफी सारी हमने अगेन, मैं कहूंगा कि एक रिवीजन हो जाता है जब हम इस तरीके का सेशन को दोबारा से देखते हैं, अलग अलग कंपनीज के बिजनेस प्लान का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। क्योंकि एक चीज जो मुझे लगता है कि हम सारे कंपनी के बिजनेस प्लान को बहुत डेप्थ में नहीं समझ सकते, लेकिन एक ओवरव्यू जरूर ले सकते हैं, जिससे कि हम सामने उनसे बात कर सकें उसके ऊपर कि हमें कैसे कैसे हम बता सके कि हम दोनों के कंपैरिजन में किसको किसका चुनाव करना बेहतर है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को करनी इस समय, क्योंकि ये स्वर्णिम समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, और लोग तलाश कर रहे हैं कंपनीज की। बहुत सारे लोग जिन्हें जिनको मैं देखता था कि ये तो इस कंपनी से कहीं जाएंगे ही नहीं, ये हटेंगे ही नहीं, और वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे थे। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि उन्होंने विद इन 6 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले उस कंपनी को स्विच कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि हम इसको फुल मोड में काम कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पुश मोड में भी काम करना पड़ेगा, हमें खुद से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ज्यादा। जब भी कोई ऐसा ऐसी बात आए तो वो आपके और हमारे साथ ही शुरू करे, और हम VLCC को डेफिनेटली इस साल इसी नॉलेज के साथ, इसी तेजी के साथ, ग्रोथ के साथ 100 करोड़ पे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। और अब हमारे पास केवल 2 स्पीकर रहे हैं हमारे पास, और एक राकेश रमोला जी हैं, और मीटिंग का राकेश रमोला जी को मैं चाहूंगा अनम्यूट कर, अगर उनको। राकेश रमोला जी, एक लर्निंग आपकी तरफ से आज के सेशन को लेके। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी को। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और लर्निंग है कि एक तो हमें दूसरी कंपनी के बारे में जानने का पता लगा है कि दूसरी कंपनी जो मल्टीपल लैग में, और जैसे हमारा जो प्लांट उससे क्या अंतर है, प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, और उसकी सर जैसे बहुत सी मैंने भी जब कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ लीडरों से, तो जैसे मेरे भी कुछ दिन पहले बात हुई है कंपनी के लीडर से, जम्मू कश्मीर से, तो कह रहे हम अपने भी
90% बांटते अपने सेल्स वॉल्यूम का। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैंने कहा चलो आप एक काम करो, मुझे अपना जो ऑर्डर फॉर्म है वो भेजो, क्योंकि किसी भी कंपनी का ऑर्डर फॉर्म है वो आईना होता है, उसमें दिख जाता है कि कोई प्रोडक्ट में कितने वॉल्यूम होते हैं। और जब मैंने उनका ऑर्डर फॉर्म देखा तो उसमें उनके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट के जो बिजनेस वॉल्यूम थे वो केवल 30% और 35% थे। तो मैंने कहा आप ठीक है, आप 90% तो बांटते हैं, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट के जो आपने बिजनेस वॉल्यूम दे रखी, जो हम जिसे हम सेल्स वॉल्यूम बोलते हैं, वो केवल आपने 20-30% ही दे रखे हैं। तो इसमें तो आप तो एक किस्म से उन लीडरों का शोषण ही है। तो उन्हें जब लगा कि ये, तो इन्होंने मेरी बात पकड़ ली, फिर उन्होंने मेरे से फिर बात करी, बात नहीं करी, और दोबारा मैंने कॉल की तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं। तो बहुत जरूरी है किसी से बात करना। तो हमारा जो ऑर्डर फॉर्म है, हमारे जैसे कि हमारे ऑर्डर फॉर्म में हमें पता है कि 40% हमारे होम केयर में और 50% हमारे, तो हर कंपनी के ऑर्डर फॉर्म में उनके बिजनेस वॉल्यूम पता लगता है। तो ये बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच रमोला जी। और संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, और संगीता शर्मा जी से भी हम लोग एक इनपुट, एक संगीता शर्मा जी से भी हम लोग ले लेते हैं आज की लर्निंग। संगीता जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, आज की मीटिंग को लेके एक लर्निंग जो आप शेयर करना चाहें। सर मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि अभी तक मैं भी किसी को प्लान दिखाती थी तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि दूसरी कंपनियों के बारे में कैसे कंपेयर करूं। तो आज मैंने ये सब अच्छे से देखा समझा है तो अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर। ग्रेट, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है हमेशा। और लास्ट आज की मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। उदिना नेगी सर, आज अभी भी मैं मीटिंग ही ले रही थी। वेरी गुड मैम, ट्रेनिंग के दिन मीटिंग नहीं रखनी आपको, ट्रेनिंग के दिन आपको डायरी पे। सर एक्चुअली क्या था कि रखनी नहीं थी, लेकिन एकदम से क्लाइंट का कॉल आ गया था कि मैम अभी मैंने मीटिंग रख ली है, आपको आना ही होगा, तो सर फिर करना पड़ा। ग्रेट ग्रेट, तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है क्योंकि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उदिना नेगी जी के साथ हम आज के सेशन को कर रहे हैं क्लोज। उदिना नेगी जी, आपने एक सिंपल होम मेकर से लेके एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई है इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में। उदिना मैम, आज एक लर्निंग जो शेयर करना चाहेंगे आप। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर लर्निंग तो बहुत सारी थी और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अट्रैक्टिव था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो भी आपने बताया पता तो होता है, लेकिन हम जब रेगुलरली ये सारी चीजें करते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम बीच में मिसिंग होते हैं तो ये सारी चीजें दोबारा से रिव्यू हो जाती है। और यही मेरे साथ हुआ है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मुझे कुछ जो आपने बताया कंपटीशन प्रोडक्ट का, मुझे तो किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगता ही नहीं है। मेरे अंदर तो पता नहीं, मेरे ब्लड में BLCC के हर प्रोडक्ट है और पूरा प्लान है, और मैं जानना भी नहीं चाहती थी। जो आज आपने बताया तो वो भी बहुत अच्छा था कि आपने इस तरह डिफाइन किया तो उस वो और क्लियर हो गया। और दूसरी चीज ये है कि BLCC अपने आप में एक जो हमारा प्लान है वो भी बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छा है, और जो हमारे प्रोडक्ट है वो तो लाजवाब है, क्योंकि मेरे पास उनकी स्टोरी है और इसी के कारण मैं सक्सेस हुई हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बेस होता है और उसी के बल पे हम अपनी जो सक्सेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज मुझे अच्छी लगी सर, और यही कहना चाहूंगी सबको कि प्रोडक्ट को खुद पहले सेल्फ यूज कीजिए। सेल्फ यूज जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन वन बाय वन प्रोडक्ट लोग दे रहे हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि औरों के खराब हैं और हमारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं। अपने प्रोडक्ट पे काम कीजिए और उसकी नॉलेज रखिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज से आप अपना प्रोडक्ट आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और नॉलेज हमें हमेशा ही गेन करनी और इसी नॉलेज के बलबूते पे हम अपना जो सक्सेस है, हमारे जो लक्ष्य है, उसको पा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच उदिना नेगी जी। और आज का सेशन हम लोग कर रहे हैं इसी के साथ क्लोज। और ये जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगी कल 11:30 बजे। इसको हम लोग YouTube में लॉग इन कर लेंगे। YouTube में हमने कल ही 72 आवर्स का वीडियो भी डाला है। YouTube में वीडियो डालने का मतलब है कि आप इसको बार बार सुन सकें, बार बार तैयारी कर सकें। तो कल 11:30 बजे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज 5 बजे हम लोग पिछले बार की जो सेशन था हमारा सेलिब्रेशन विद CEO, वो हम YouTube में लॉन्च कर रहे हैं 5 बजे। लजिंदर बाबा जी के साथ जो हमने इवेंट किया था पिछली बार सक्सेस का, वो जरूर आप शेयर कीजिए, उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्होंने उसमें कोई ना कोई नया
लेवल हासिल किया था। आज संडे है, संडे को 8:52 पे होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अपनी टीम के सभी लोगों को, अभी अपनी टीम के सभी लोगों को लेके आइए रात को 8:52 पे, क्योंकि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो मीटिंग्स में आते हैं, वो ट्रेनिंग्स में आते हैं, वो नए नए लोगों को लेके आते हैं। यस, तो मैं पर्सनली भी आज की मीटिंग के लिए बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट इन्वाइट कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगले संडे 11:30 होगा एक बहुत बड़ा धमाका, अब तक का सबसे बड़ा मोटिवेशनल इवेंट, जिसमें होंगे मिस्टर राजेंद्र बाबा और हमारे सारे लीडरशिप काउंसिल मेंबर। थैंक यू वेरी मच। अगले संडे मिलते हैं 11:30 सेलिब्रेशन विद सीईओ में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।